वोकेशनल कोर्स की इनॉग्रेशन भी और पहला लेक्चर भी ऑनरेबल जनाब राजा मोहम्मद अलीम खान अब्बासी साहब हमारे वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल इनॉग्रेट भी करेंगे और पहले लेक्चर का आगाज़ भी करेंगे। तो आज की तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात सूरह मकबूल के लिए काई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ आएँ और तलावत करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم। आपके सामने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 160 का 163 तिलावत की गई जिसका तर्जुमा यह है। जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उस जैसी 10 नेकियों का सवाब है और जो शख्स कोई बदी लेकर आएगा तो उसको सिर्फ उसी एक बदी की सजा दी जाएगी और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। ए पैगंबर कह दो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे एक सीधे रास्ते पर लगा दिया है जो कजी से पाक दीन है, इब्राहिम का दीन है, जिन्होंने पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ किया हुआ था और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत और मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं इसके आगे सबसे पहले सर झुकाने वाला हूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व अहसन मिनक लम तरकत अयनुन, व अजमल मिनक लम तलिद निसाउ, خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء। मेरे आका मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जहाँ में उनसा चेहरा है नहीं खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकी ना हो रते उनसा हसी कोई, नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में, जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वोकेशनल कोर्स इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्स मैंडेटरी है और इसमें आपकी अटेंडेंस होगी। अगर कोई बंदा रेगुलर नहीं लेगा, अटेंडेंस शार्ट होगी तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा, इसलिए
अपनी अटेंडेंस इंश्योर करनी है आपने, इट विल बी कोर्स है। और बड़े ऑनरेबल हमारे तीन दोस्तफा जनाब वाइस चेयरमैन साहब ने एक्स जस्टिस हाई कोर्ट हैं, वो आपको लेक्चर देंगे और बाकी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। इसमें ब्लैक टाई में रिक्वेस्ट करूँगा सारे पार्टिसिपेंट्स से कि ग्रीन टाई यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर ड्रेस है वो डिस्क्राइब है उसको इंश्योर करेंगे, टाइम का ख्याल रखेंगे और अपना इसका इस्तफादा करेंगे। इन कोर्सेज को सिर्फ इसलिए कि आपका जहन पर सवाल नहीं करना, इससे फ़ायदा लेना है, नोटिंग करें, क्वेश्चन करें, आंसर करें। तो कल आपका दो लेक्चर होंगे, आगे दो दो लेक्चर होंगे, कल 10:30 बजे आपने असेंबल होना है। मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ ताकि अभी आपको, अगर आपके बाद डेट साथी आए तो उसको भी करने का रखिएगा। आज दो लेक्चर हैं, एक हमारे सैयद अहमद हसन शाह साहब हैं कॉर्पोरेट का लेक्चर है आपका, और दूसरा जनाब जुल्फिकार अली वासी साहब हैं उसी वाला आप लेक्चर देंगे, हमारे ऑनरेबल मेंबर और एक्स वाइस चेयरमैन। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब राजा मोहम्मद अली खान वासी वाइस चेयरमैन से बात करो तशरीफ लाएँ अपने लेक्चर। नहमद वनसली रसूल करीम अमाबाद फौज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मौजूद खवातीन हज़रात, सबसे पहले बहसियत वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल, मैं आप तमाम खवातीन हज़रात को यहाँ वेलकम करता हूँ। और आज आप जिंदगी के बिल्कुल नए फेज में दाखिल हो रहे हैं। आज से पहले आप क्या थे, अब क्या करते रहे, वो माजी हो गया, वो किस्सा पालना पालीना हो गया। आज के बाद अगर ये बार काउंसिल आपको लाइसेंस जारी करती है तो लाइसेंस लेने के बाद बहसियत प्रोफेशनल के, बहसियत लॉयर के, आप इस सोसाइटी में जाने और बचाने जाएंगे। इसलिए कोई न्यू एंट्रेंट है, कोई यंग लॉयर है, कुछ रिटायर्ड हजरात भी यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, वो रेलेवेंट नहीं रहेगा आपका माजी क्या था, आप क्या करते रहे। जिस दिन आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा उसके बाद से आपको भेज किया जाएगा, आपका रेगुलेटर जो बार काउंसिल है वो आपको भेज करेगा, आपके कॉन्डक्ट को भेज करेगा। आज जो आप यहां असेंबल हुए, हमें उम्मीद है कि नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन नहीं होगा। आप 17 eminent lawyers, eminent professionals, वो आपको लेक्चर देंगे, इसको ग्रेस कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की, इससे पहले ये नहीं थी। ये आपका छठा बैच है जो हम इस्लामाबाद बार काउंसिल में, हम जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स और आपकी ट्रेनिंग कोर्सेज करने जा रहे हैं, ये 6th बैच है आपका। और ये ट्रेंड इस्लामाबाद बार काउंसिल ने शुरू किया, ये हमारा इनिशिएटिव था, इसको सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स करते हुए बाकी बार्स को भी डायरेक्शन जारी की कि इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरह आप भी इस तरह के एकेडमिक लेक्चर्स का इत्माम करें। यू आर लकी इनफ, मैंने 91 में इस वकालत का आगाज किया। और मैं आपसे एक और दो गुजारिशात करूंगा इससे पहले कि मैं आप उस टॉपिक की तरफ आऊं, दो गुजारिशात आपसे हैं। एक तो टाइमिंग का ख्याल रखिए, और शायद उस टाइम के बाद हम हॉल को क्लोज कर दें, जो टाइम आपको दिया गया लेक्चर के लिए उसमें आइए। ये सारे जो रिसोर्सेज हम बाहर के लगा रहे हैं ये आपकी बेहतरी के लिए, मेरी इसमें कोई बेहतरी नहीं। मैंने बहुत तकरीर की, मैंने बहुत खताबात की अपने 32 साल कैरियर में, मुझे मैं हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल भी रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सदर भी रहा, मैं सेक्रेटरी रहा, ये सारा काम हम करते रहे, हमारा शौक नहीं है।
और ये फटीक भी नहीं है आपके लिए, ये पर्पसली और ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था कि बार काउंसिल रेगुलेटर है, हमारा काम आपके लिए जत्था बर्दारी करना नहीं है, आपके लिए चेंबरों की अलॉटमेंट नहीं है, चेंबरों का उसूल नहीं है, हमें एक अच्छा प्रोफेशनल प्रोड्यूस करना है इस्लामाबाद में, एंड वी आर लीडिंग दिस कम्युनिटी फ्रॉम द फ्रंट। ये कहीं भी नहीं है जो आप को जो जो लग्जरी आप अवेयर कर रहे हैं, ये कहीं भी नहीं है। अब शुरू किया पंजाब ने भी सुना है, वहां उन्होंने शुरू किया, तो इसका मकसद कतन ये नहीं है कि आप आए अपनी अटेंडेंस शीट पे हाजिर लगाएं और नींद के आलम में लेक्चर को अटेंड करें और घर चले जाएं। आपको ये कंपल्सरी क्यों किया गया, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था कि वाइजर आदमी वो होता है जो किसी के तजर्बे से फायदा उठाए, किसी के एक्सपीरियंस से फायदा उठाए। हमसे जो गलतियां हुई, जो लैप्सेस हमसे हुए, मुझे याद है कि 91 में जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, मैंने रावलपिंडी से वकालत शुरू की, तो मेरे सीनियर थे सरदार मोहम्मद असलम साहब, अल्लाह उन्हें तरीके रहमत करे, वो चीफ जस्टिस भी रहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, लाहौर हाईकोर्ट के जज भी रहे। तो उन्होंने कॉल की मेंबर बार काउंसिल को, दो मेंबर हुआ करते थे जो इंटरव्यू लेते थे, तो उसने मैं जब गया तो उसने मेरा नाम पूछा और साइन कर दिया मेंबर बार काउंसिल साहब ने, और सरदार साहब को कॉल की कि मैंने आपका शागिर्द को मैंने कुगी मार दी इसकी। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं बहुत खुश हुआ कि मैं गया और कमरे में गया और बाहर आया मैं वकील बन गया, लेकिन जब मैं ग्रेजुअली जब हम इस प्रोफेशन को हम इसमें आगे चलते चले गए तो मुझे अफसोस हुआ कि वो तरीकाकार मुनासिब नहीं था। रेगुलेटरी बॉडीज को इस तरह लाइसेंस बांटने नहीं चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज को इस तरह लाइसेंस आपके ड्राइंग रूमों की जीनत बनने के लिए जारी नहीं किए जाने चाहिए। तो आपसे जो गुजारिश मैं कर रहा हूं, एक टाइमिंग का ख्याल कीजिए और एब्सटेन कीजिए ब्लैक टाई से, दिस इज मिसकॉन्डक्ट। आप शुरुआत अगर यहां से कर रहे हैं, काली टाई में आप वकील नहीं है, यू आर प्रिटेंडिंग योरसेल्फ एज अ लॉयर, तो मैं क्या कहूं कि आप आगे क्या कुछ नहीं करेंगे, या आपको इल्म नहीं है कि आप ब्लैक टाई में नहीं आ सकते। क्या फर्क है आप में 31 साल के बाद मैंने काली टाई पहनी और मुझ में और आप आजाद में क्या फर्क है? ये एथिक्स, ये एटिकेट्स, ये रूल्स होते हैं टू फॉलो, ये इसलिए नहीं होते कि किताबों की जीनत बनते नहीं। तो हम एक शौरी कोशिश हमने शुरू की 2 साल से जब ये बार काउंसिल का वजूद आया, द डेज आर गॉन नाउ। हम इस प्रोफेशन को इसमें वही सस्टेन करेगा जो प्रोफेशनल बनना चाहेगा, जो सीरियसली इसको अडॉप्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने 27 लोग कल रेफर किए, फ्राइडे को हमारा था जो थे, हमने 27 लोग रेफर किए 80s में, और टेक इट लाउड एंड क्लियर, ये जितने भी लेक्चर आप नोट डाउन करेंगे हम आपसे पूछेंगे, मैं चेयरमैन उस कमेटी का भी जहां आपके इंटरव्यू होंगे 7 बजे जगह पे, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जो 17 लेक्चर थे उसमें आपको सीपीसी में आपने क्या ग्रेस्ट किया, पीपीसी में आपने क्या ग्रेस्ट किया, टेक्स में आपने क्या देखा। ये कोई वो नहीं है कि हम आपको गन पॉइंट पे आपसे ये लेक्चर दे रहे, मकसद ये है कि आप जो हमने जो देखे ना, मुझे 32 साल हो गए, बहुत सारी मैंने गलतियां की, बहुत सारे लैप्सेस थे मेरे, बहुत सारी कोताहियां थी मेरे कैरियर में, तो 32 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बेटर एक्सपीरियंस, मेरा गुड एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको जो जिस खाई में मैं गिरता रहा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कहूं इसमें ना गिर। तो अवेल करें इस करें सब, ये 2 हफ्ते के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी। तमाम टॉप के प्रोफेशनल यहां आएंगे, 4 या 5 रिटायर्ड जज अगर हाईकोर्ट हो गई, वो पूरे का पूरा अपना एक्सपोजर आपसे शेयर करेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स उनको मैंने दिए कि जी आप इस पे करेंगे, आप इसको 2 दिन लगे मुझे ये आपका ये पूरा स्केड्यूल अरेंज करने में। इसका मकसद क्या है, वो सब लोग अपने कैरियर को कोई एंजॉय करके कोई घर चला गया, कोई
कैरियर के पीक पे है, उन्हें तो जरूरत नहीं है कि वो यहाँ आए और आपको खिताब करें और अपनी तस्वीर बना लें, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपकी जरूरत है, और आप हम जब आपसे इंटरव्यू करेंगे तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस, जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए गए, ये आपसे हम सुनेंगे, हम आपसे ये पूछेंगे। हमने 10 बजे शुरू किया और रात 9 बजे तक हम इंटरव्यू करते रहे, 17 लोगों ने इंटरव्यू की। तो आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि जब हम आपसे इंटरव्यू लेंगे तो हम आपसे ये नहीं पूछेंगे जी कि आप तो क्या हाल है, तबीयत सही है आपकी, माशाल्लाह अच्छी टाई पहनी हुई आपने काली, या हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस में ये सारे लेक्चर्स होंगे जो आपने 6 महीने में जो आपने केसेस कंडक्ट किए अपने सीनियर के साथ, आपको बिल्कुल नो हाउ होना चाहिए कि जी सूट ऑफ डिक्लेरेशन है इसकी किस कानून के तहत होता है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होता है, ये स्पेसिफिक प्रॉमिस का सूट कहाँ होता है, इलीगल डिक्लेरेशन एक्ट क्या है, जो जो केसेस आपने अगर आपने डमी भी लगाई है लिस्टें वो आपसे वहां पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा कि जी यस ये केस था जी मैंने अपने सीनियर के साथ असिस्ट किया इसमें ये क्वेश्चन अप्लाई हुआ था। हम नहीं कहते कि आप तो कंप्लीट लॉ के ग्रेस्प में हो आपको, हम ये चाहते हैं कि आपको पता लगे बुनियाद क्या है, बेसिस क्या है, और इसका फायदा आपको होगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो चीज मैंने 30 साल में सीखी, 32 साल में सीखी, हम आपको एक दिन में सारे वो चीजें जो बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं आपके, मैं बता रहा हूं, बाकी 100 लोग आपको बताएंगे, तो क्यों ना आप कान खोल के सुने, क्यों ना आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब, जिसने वकालत नहीं करनी, जिसका प्रोग्राम नहीं है वकालत करने का, वो हॉल से बाहर जा सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है कि हम जबरदस्ती आपको वकील बनाएंगे, लेकिन हम लाइसेंस उसको देंगे जो वकालत कर रहा होगा, जो वकालत करना चाहेगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी मेडिकल स्टोर भी साथ चल रहा हो और साथ वकालत भी चल रही हो, आप शाम को प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस में बैठे और दिन को आप यहाँ काले कोर्ट के साथ इसमें करें, ये नहीं हो सकता, ये हम होने नहीं देंगे, हम नहीं होने दे रही है, और कोई सिफारिश नहीं है। मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं मैम, और इसलिए देखे ये खुदा का कानून नहीं है कि एक दिन में 2 बच्चे आते हैं, एक को हम पूछते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं वो 20 के 20 जवाब देता है, 30 के 30 जवाब देता है, दूसरे से पूछते हैं तो वो हम हंस के डाल देता है, वो कहता है जी मैं फलां का शागिर्द हूं, मैं आपके ग्रुप को मैंने वोट दी थी, मेरे दूसरे भाई ने आपको वोट दी थी, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, खुदा का कानून नहीं है। आप दोनों लोग एक दिन में लोड नहीं हो सकते, उसका क्या कसूर है कि जी जो सारे 3 पढ़ता रहा, रात पढ़ता रहा, महीनों पढ़ता रहा, सालों पढ़ता रहा, और उसको इक्विप्ड है लॉ से, इक्विप्ड है अपने फैक्ट्स ऑफ केस से, उसको हम कहेंगे कि तुम भी साथ हो, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी साथ है, कि नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। ये अगर मैं करूंगा तो मैं आपके साथ ज्यादती करूंगा, मैं इस इदारे के साथ ज्यादती करूंगा और अपने साथ ज्यादती करूंगा। मैं डिसिप्लिन कमेटी का भी चेयरमैन हूं, 2015 के बाद बिल्कुल नया कानून आ गया, द डेज आर गॉन कि जब आप सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हवाले से आप बार कल्चर में थे, ये काली टाई जब आपको मिलेगी, काला कोट, इसके लिए आपने कितने साल लगाए, कुछ लोगों ने 5 साल लगाए, कुछ लोगों ने 3 साल लगाए, मिनिमम 3 साल होंगे ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अपने कोर्सेज, फिर आपने गैट एग्जाम पास किया, फिर आपने ये लेक्चर्स दिए, फिर आप इंटरव्यू वाला ऑब्स्टिकल उबूर करेंगे और उसके बाद आप वकील बनेंगे, और ये सारा प्रोसेस में आप वकील बने और ये टाई लेने का प्रोसेस बिल्कुल 2 मिनट का होगा, वकालत से पुरानी पोजीशन पे बाली 2 मिनट लगते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। 2015 के बाद जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में तरमीम की गई, योर एवरी कॉन्डक्ट इज सबसर्वियंट एंड सब्जेक्ट टू दिस बार काउंसिल, वी विल गेज योर कॉन्डक्ट वेदर यू आर इन योर ऑफिस, वेदर यू आर इन योर टाउन और एनी टाइम 24 ऑफ द डे 7 डेज अ वीक, इसलिए कि जब इतने बड़े प्रोफेशन में आप दाखिल हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। ये ऐसा नहीं है, आज पाकिस्तान में
सबसे ग्रोइंग जो प्रोफेशन है वो लीगल प्रोफेशन है, लॉयर्स का प्रोफेशन। जो लोग ऑप्ट करते हैं इस प्रोफेशन को, डॉक्टर्स को पीछे छोड़ गए, इंजीनियर्स को पीछे छोड़ गए, इसलिए कि बड़ी और स्पेशली इस्लामाबाद में सारी की सारी बड़ी फर्म्स, कहो कराची की है, कहो लाहौर की है, दे आर नाउ स्टेशन इन इस्लाम। एक अपॉर्चुनिटी का एक 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 फ्लड आ रहा है और बल्कि आ चुका, वो वेट कर रहा है आपको कि आप उसको ग्रेस करेंगे। हमारी यहां के लोग ग्रेस करेंगे, मेरी बात मौसम के लोग ग्रेस करेंगे, मेरे मेहमान ग्रेस करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आप तैयार होंगे, आप मेंटली भी और आप वो स्किल्स डेवलप करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे जमाने में ये प्रोफेशन ऑप्शनल नहीं था, मुझे MBBS में दाखिला नहीं मिला, मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिला, तो मैं वकील बन गया, मोहतबर बन गया। भले में लोगों ने कहा जी फलाना मोटा वकील बन, ऑप्शनल नहीं था मेरा, ये मुझे जी था मेरे पास की और ऑप्शन रहा नहीं। अब ये प्रोफेशन पहला ऑप्शन है और इस्लामाबाद बार काउंसिल बीइंग अ कैपिटल बार काउंसिल ये भी पहला ऑप्शन है तमाम लॉयर्स का कि जी वो यहां से लें। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो बार काउंसिल में इस्लामाबाद वन ऑफ द बार काउंसिल है, उसके जो रेटिंग है, उसके जो स्टैंडर्ड जो माने जाते हैं दुनिया में, वो इस्लामाबाद बार काउंसिल। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जब आप इस प्रोफेशन में दाखिल होंगे, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको इसकी तमाम तर एथिक्स के साथ, इस प्रोफेशन को इसकी तमाम तर रानाइयों के साथ आप दाखिल होंगे। अगर आप एथिकलेस होंगे, आपकी वकालत में एथिक्स नहीं होंगे, तो हम आपको प्रोफेशनल लॉयर नहीं कहेंगे, आपको कोई और गैर पार्लिमानी नाम दिया जा सकता है, मुझे दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं एथिक्स लेस वकालत करूंगा, एथिक्स के बगैर वकालत करूंगा, तो वो वकालत नहीं होगी। और वो जो रेले रेस होती है ना, जब वो टिकट दबता है, तो आपने वो सर्कल पूरे करने हैं सारे। अगर आप वो सर्कल तोड़ के जाएंगे तो आप उस रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहां उम्रें, साल, महीने आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहां 40-40, 50-50 साल के लॉयर्स हैं, जहां वो आए थे आज भी वहीं खड़े। लेकिन जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने अपना टाइम इस पे स्पेंड किया, कोई मैच नहीं होगा। 5 साल ये प्रोफेशन आपको सिर्फ 3 साल आप इसको दे दीजिए, आप इससे प्यार कीजिए, ये बेताशा प्यार करेगा। कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई भी आपको नहीं रोक सकता इस प्रोफेशन में आगे जाने से। लेकिन अगर आप मनी मेकिंग के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं खाली, इसमें और ये वो प्रोफेशन है कि इस जैसा कोई और प्रोफेशन नहीं है। ऑल डिफरेंट प्रोफेशन के जो फ्रूट्स हैं, यू कैन गेट फ्रॉम वन रूफ, अंडर वन रूफ। पैसा बनाना चाहते हैं जो हजरात खवातीन, यू कैन मेंट मन, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी स्किल्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप इसको एज ए चैलेंज लेते हैं, रोज नए नए चैलेंजेस हैं, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नई नई प्रोपोजिशन है। आप अगर सियासत करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट भरा पड़ा है वकीलों से। आप अगर देखें ना, बहुत सारे हम तो बदमाशी भी हमने शुरू कर दिया, ये भी कमाल हो गया हमारे उस तहरीक का। मैं 5 ईयर था उस तहरीक का, 9 मार्च 2009 को हमने शुरू की, यहां से हम जुलूस लेके गए, मैं था, मेरा दोस्त आर जागीरी था, हारून रशीद साहब आज के वाइस चेयरमैन है, हमने शुरू की ये तहरीक। और हमारा ये ख्याल था कि शायद हम एक बड़े सिस्टम को चेंज करें, जैसे आजकल बहुत सारे हमारे आप में से कुछ दोस्त होंगे जिनका ख्याल था कि वो इंकलाब लाने लगे हैं, वो इंकलाब बिल्कुल बैठ गया 2-3 दिन में, तो यही हमारा भी ख्याल था।
कि हम इस सोसाइटी को चेंज कर देंगे, हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, काली वर्दी और खाकी वर्दी की लड़ाई होगी और अल्टीमेट डिसीजन होगा, वो तहरीक सारी उनकी स्पॉन्सर्ड थी। और उसके क्या सम्राट हमें मिले, 8 फरवरी को जो यहां कुछ हुआ, स्टॉर्मिंग हुई लॉयर्स ने की, हम जत्था बर्दारी शुरू कर दिया, हम कभी अलाउ नहीं करेंगे, हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। जब आप वकील होंगे, मेरी 32 साल तारीख में कोई लिटिगेशन नहीं है, ये गाली होती है वकील के लिए, अपनी लिटिगेशन करना उसके लिए गाली होती है, अवॉइड करें। ये नहीं होता कि मैंने आपसे कहता हूं कि आप अपने राइट छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए पर्सनल लिटिगेशन को, अवॉइड कीजिए कि आपके नाम पुकारे जाए अलीम अब्बासी बनाम सरकार, अलीम अब्बासी बनाम जवाहर सरकार, अवॉइड कीजिए, ये आपके अखलाकियात में नहीं आता। आप अगर इस नीयत से वकील बनना जा रहे हैं कि कल आप मोहल्ले में अपने स्कोर लेवल करेंगे लोगों से, कल आप अपने गांव में थाने के एसएचओ को साथ लेकर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, ये हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम वो जो स्टॉर्मिंग हाईकोर्ट में हुई, उनके सारे के आवाज जेल में रिजर्व, हमने 8 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए, 4 दिन पहले हमारे यहां हमारे कोर्ट रूम आगे है, वहां हमने 4 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए फॉर देयर मिसकंडक्ट। और मुझे जो भी केस मुझे आता, मुझे 3 मिनट में लग गया था कि ये जनरल है, ये गलत। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपका ये लाइसेंस जो रेगुलेटरी बॉडी आपको दे रही है, वो देने में 5-6 साल लगेंगे, वो लेने में बिल्कुल लम्हे लगेंगे, शायद मिनट भी ना लगे। तो इसलिए अवॉइड कीजिए, मैं थ्रेट नहीं कर रहा, वी आर बिल्डिंग अ न्यू सोसाइटी। देखिए ना, मैं वही गंध साफ कर सकता हूं जो मेरे हिस्से का गंध है, मैं पूरी दुनिया को साफ नहीं कर सकता, मेरा ये रेगुलेटरी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम यह है कि मैं अच्छे लॉयर्स प्रोड्यूस करूं, मेरा काम यह है कि मैं लीगल एजुकेशन को अपलिफ्ट करूं, ये मेरा काम है ना, ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं आपको कहूंगा ये 5,000 रुपया आपका स्टाइपेंड है महीने में आपको मैं दे दूंगा, आप वकालत ना करें, बस फ्रेंड हो रहे हैं, ये 10,000 रुपया 12-15 आपको दे, ये मेरा काम नहीं है। मैं अच्छे वकील प्रोड्यूस कर सकता हूं, अच्छी लीगल एजुकेशन आपको दे सकता हूं, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूं। मैं अगर और ये स्टेक होल्डर्स हैं कौन, इस सिस्टम के स्टेक होल्डर आप नहीं है, लॉयर्स नहीं है, जजेस नहीं है, वो लोग हैं, वो डिप्राइव्ड मुआशरा है जो दिन ब दिन डिप्राइवेशन की तरफ जा रहा है, जो हमारे एक्शंस हैं, हमारी हुकूमतें हैं, हमारे इदारे हैं, ये उन लोगों को दे आर द स्टेक होल्डर्स, ये सारे का सारा निजाम उनके लिए बना, लेकिन हम करते क्या है कि मेरा निजाम है जी, मैं बदमाश हूं जी, मैं गाड़ी के पीछे जी अटारनी अटला लेके चलता हूं, क्यों लेके चलते हैं आप गलत काम करते हो ना, मैं तो कभी लेता, क्यों लिखते हैं आप गाड़ी के पीछे के जी अटॉर्नी एट लॉ है, वकील सुप्रीम को, वकील हाई को, कोई मामला नहीं होता। मुझे तो 32 सालों में ना कोई कभी इशू हुआ, ना मुझे कभी थाना जाना पड़ा, ना मुझे दो लोगों से कहा कि रीच फलानी कोर्ट योर बदर लॉयर्स इन ट्रबल, कभी भी नहीं हुआ। तो ये इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रोफेशन आप देखो ना, हर चीज इसमें है, इबादत भी है इसमें। ये लोग कहते थे ना बहुत दवा, यहां कारी साहब भी देसी फरमाए, ये बिल्कुल हलाल प्रोफेशन है। डॉक्टर सार साहब को आप सुने, बड़ी लॉजिक दी उन्होंने, और मेरा भी यही ख्याल था जब मैंने उनको 2-4 हफ्ते पढ़ा। बुनियादी निजाम ये है, इस्लामी फलसफा ये है कि निजाम अदल में अगर किसी एक गुनाहगार को सजा देना बेहतर है कि आप 100 गुनाहगार छोड़ दें। तो सिस्टम क्या हुआ कि ये रियासत का काम है कि उसे साबित करना है जी कि फलाने मर्डर किया, फलाने रेप किया, फलाने चोरी की। हम ये नहीं कहते कि जी खुदा की कसम ये हमारा बकाल सच्चा है, खुदा की कसम इस बंदे ने कत्ल नहीं किया, खुदा की कसम इस बंदे ने झूठ नहीं बोला, ये हमारा काम नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये कानून है, ये जाब्ता है, ये आपका प्रेसिडेंट लॉ है, ये फॉलो नहीं हो रहा, यहां ये लैग करता है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है इस एक्यूज को, ये चेन ऑफ एविडेंस लिंक नहीं करती इसको। लॉ ये है ना कि जो अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस भी होगा तो पहली चेन जो है
वो लिंक करेगी एक्यूज के गले तक, ये चेन ब्रेक नहीं होगी। जहां भी चेन ब्रेक होगी वो उसका बेनिफिट मिलेगा एक्यूज को। ये बेसिक लॉ है हमारा। आप में बेताशा इबादत कर सकते हैं इसमें। कस्मा कुर्सी के लोग आते हैं, डिप्राइव लोग आते हैं, गुर्बत के मारे लोग आते हैं, और जानों की आग भी खींच सकते हैं। इसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, लूट सकते हैं आप लोगों को। आप कोई भी गिव की फीस नहीं होती, जी मेरी फीस है जी 10 लाख रुपए, कोई मेरी 10 लाख नहीं है, कोई मेरी 50 लाख फीस नहीं है, कोई मेरी 1 करोड़ फीस नहीं है। मैंने फीस देखनी है केस को देख के, उस लिटिगेंट को देख के। मैं अगर किसी केस में 15 लाख रुपए लेता हूँ तो एक ऐसी खातून आती है जो डिप्राइव्ड है, जो जिसको जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं उसे 15 लाख नहीं लूंगा, मैं उसे खर्चा भी नहीं लूंगा, मैं खर्चा भी अपने पास से करता हूँ। तो ये प्रोफेशन हर हवाले से आपको देखे ना, जो जो कुछ लेना चाहता है वो इसको देगा प्रोफेशन। आप नेगेटिविटी की तरफ से जाएंगे, आप थानेदारों की दलालियां करेंगे, जजेस के नाम के पैसे लेंगे, वो भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। शाम को आपको पार्टी से मौका हुआ करेंगे, आपको बुलाएंगे, जी आज फलां फ्लैट में आ जाए वहां, ठीक है जी जैसा भी केस 50 लाख दे दें जी, 25 लाख आपका हुआ, 25 मेरा हुआ, अल्लाह ख्याल। ना आपने वकालत की, ना आपने आर्गू किया, ना आपने जरा की, वो केस आपके आपके फैसला होगा। ये भी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन मैं आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ बताता हूं, जिस तरह आपका घर आपकी प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह आपका बैंक बैलेंस आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी अच्छी रेपुटेशन भी आपकी प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियली आपको पे करती है। इस इनतात के दौर में, इस तारीख दौर में, अच्छे क्रेडेंशियल वाले प्रोफेशनल हर प्रोफेशन और नहीं मिलते आपको। तो अब जो खबरियत क्या बनती कि जी कौन सा वकील है जो बिकता नहीं है, वो चले जाएंगे फलाने का उसका दफ्तर है मिस्टर बी, वो कम से कम फरोख नहीं होगा, पार्टी से मिलेगा नहीं, पूल नहीं करेगा। ऐसे भी हमने लोग देखे, दो वकील बैठे हैं, एक मुदई का वकील है, एक डिफेंडेंट का वकील है, दोनों पैसे ले लेते हैं अपने पार्टी से, 50 लाख ले लिया जी, 10 लाख ले लिया, वो दोनों आपस में पूल करते हैं, एक तो जीतता है ना, एक हारता है, जो जीतता है वो हारता है वो पैसे वापस करता है, फिर जी जैसा आपने पैसे ले लिया आप ले ले, और दूसरे आपस में पूल कर ले। ये सिन है, ये गन है, ये मैंने आपसे कहा ना कोई और नाम दे, गैर बाली मानी नाम नहीं, वकालत नहीं है। थानेदारों में मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, जब कभी गया किसी वकील के मामले के हवाले से गया, कभी मैं नहीं गया, कभी मैं जाती तौर पर पुलिस स्टेशन नहीं गया, कभी मैं किसी क्लाइंट के लिए नहीं गया, कभी मैंने वहां ब्रीफ नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि जी मैं तुम्हारे यहाँ फ्रांस जमीन ठीक करके दूंगा, ये मेरा काम नहीं, मैंने सिविल काम मैंने ज्यादा किया, लेकिन क्रिमिनल काम भी मैंने किया। आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार होता है, क्योंकि बड़ी सीवियर आपको बीमारी होती है, वो आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद कहते हैं जी ये दवाइयां खा लें। कितने लोग हैं आप में से जो जाते हैं लेबोरेटरी जाकर टेस्ट कराते हैं कि ये दवाई है, ये पॉइजन है, कोई गया कभी? क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गए कि उसके एथिक्स है, ये उसकी अखलाकी तकाजा है, उसके प्रोफेशनल एथिक्स का ये तकाजा है कि वो जान बूझ कर गलत दवाई नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं जाता ना। इसलिए आपका भी एथिक का तकाजा है, प्रोफेशनल मैंडेट आपके वहां के, आप फ्रिवोलस लिटिगेशन नहीं करेंगे, जो केस आपका नहीं बनता आप नहीं देंगे, आप क्लाइंट के हवाले से कमीशन एजेंट का काम नहीं करेंगे, उसके हवाले से जजू से आप नहीं मिलेंगे, उसके हवाले से आप थानेदार से आप नहीं मिलेंगे, आप पूल नहीं करेंगे, आप उसको ओपिनियन देंगे जो आपका जो जो आपकी दानस के मुताबिक आता है वो आप ओपिनियन उसको देंगे, और अगर उसका केस भी क्या आपको बताएंगे कि जी मेरे विजन के मुताबिक ये आपका केस बॉर्डर लाइन केस है, ये बहुत कमजोर केस है, उसके बाद अगर वो आपको कहता है जी कि आप करें तो फिर करें। अतर भाई देखे ना, ये एथिक्स है आपके कि आप जो कैनन ऑफ प्रोफेशन जरूर पढ़े, आप हमारे लीगल प्रैक्टिशनर बार मतलब आपको हर चीज गैजेट में भेजो, वहां आप करेंगे, आपके लैपटॉप पे आ जाएगा, लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973, लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स 1976 पाकिस्तान लीगल, उसमें कैनन ऑफ प्रोफेशन का पूरा चैप्टर है, वो जरूर पढ़िए, शाम को बैठिए, वो हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे कि कहां कहां आपने
क्या क्या करना है, किस तरह बिहेव करना है, ये सारी चीजें वहां मौजूद है। और ये वो प्रोफेशन है जहां हर इंटेलेक्ट के लोग, एक बहुत विटी होगा आप में से और एक बिल्कुल मेरी तरह का हम्बल बैकग्राउंड का होगा, मैंने टाट से पढ़ा, मैंने 70s में मैंने जब बली में था तो बिल्कुल अलग बे वाला कायदा पढ़ा, तख्ती वाला मामला पढ़ा, टाट वाला सिलसिला किया, तो वो कहानी शुरू हुई। यहाँ बहुत सारे आपके लोग फॉरन क्वालिफाइड हैं, बैरिस्टर्स हैं, LLM हैं, बाहर लोग वही तरह के होंगे, लेकिन ये प्रोफेशन आप तमाम को मौका देता है, बिल्कुल टेक इट लव इट के, बिल्कुल डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है कि जी मेरा इंटेलेक्ट लेवल कम है, मैं शार्प माइंडेड नहीं हूं, मैं ग्रेस करने में लेट होता हूं, बिल्कुल मौका देगा। एक ज्यादा बिट का आदमी, ज्यादा अच्छी इंटेलेक्ट का आदमी, ज्यादा जल्दी ग्रेस करने वाला आदमी, और एक वो आदमी की जो 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 वीक है, जिसकी इंग्लिश वीक है, जिसकी उर्दू वीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, वो सारे के सारे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है अपनी स्ट्रगल से। जब हमने 91 में शुरू किया इस्लामाबाद में तो दो लॉयर्स थे सिविल साइड, एक मियां इश्ताक साहब मरहूम, मेरे उनसे भी मैं सवाल आया था, मैं मेरे भी साथ रहे, और एक हयात हैं मियां रजाक साहब, काम कर रहे हैं जी 11 में काफी। तो ये सिविल साइड पे देवर ऑन द टॉप, दोनों एक एक साइड के ब्रीफ ले रहे थे, एक गर्भवती का एक था, दूसरा डिफेंडर वाली साइड पे थे, लेकिन उनका जो इंटेलेक्ट लेवल था बिल्कुल डिफरेंट था। मियां इश्ताक साहब भी बस रिच ऑफ इट, कुछ चीजें खड़े खड़े वहां ग्रेस करते थे, चीज कंसीव करते थे, आर्गुमेंट्स बिल्ड करते थे, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग थी, बहुत अच्छी उनका एक्सप्रेशन था। जबकि ऑन द अदर हैंड मियां रजाक साहब बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, आप उनकी मैंने कभी उनको इंग्लिश में आज तक आर्गुमेंट करते नहीं देखा, मैंने आज तक उनको बहुत कमाल के आर्गुमेंट्स करते नहीं देखा, लेकिन पंक्चुअल था, मेहनती थी। ये हो नहीं सकता कि फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था, कि फैसलाबाद से क्लाइंट चले और 4:45 वो अपने दफ्तर में ना हो, इवनिंग चैम्बर में ना हो, ये हो ही नहीं सकता था कि क्लाइंट कराची से चले, उसको पता होगा कि मियां इश्ताक साहब अगर बीमार नहीं है, अस्पताल में दाखिल नहीं है, तो मियां इश्ताक बैठा होगा अपनी सीट पे चैम्बर में बैठे होते थे। हम चाय पीते थे, लोग बार रूम में गप्पे रात आंकते थे, और वो जाके आम पेशियों पे, जैसे हम कच्ची पेशी कहते ना, मुंशी कहते यहाँ जाकर तारीख ले आई संबंधी तलबियत थे, वो छोटे छोटे ऑर्डर डाल देते थे वहाँ कि जी ये चार दफा इसको मौके दे चुके, आप संबंध जा चुके, इसको आखिरी मौके कर, वो आखिरी मौके करा देते थे, दूसरे को पता नहीं था। छोटी छोटी जो पंक्चुअलिटी की बुनियाद पे और उन्होंने अपनी वकालत को बिल्ड किया, इसी तरह मियां साहब इश्ताक साहब। मकसद आपको बताने का ये नहीं था कि उनकी तारीफें करना या उनकी पर्सनल उनकी पर्सनलिटी है, कि यहाँ बहुत सारे लोग हमारे डिसार्ड होकर छोड़ जाते हैं कि जी मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, मैं चीज़ें जल्दी नहीं करेंगे, कंसीव किसे करेंगे, मैंने 30 सालों में मुझे अब भी मैं तालिबे इल्म हूँ, बहुत मेहनत की, मैं 5 साल सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी गवर्नर रहा, लेकिन आज भी मुझे बहुत सारी प्रोपोजिशन में मैं सिविल साइड पे, टैक्स साइड पे, कॉर्पोरेट साइड पे हमें पूछते हैं, कि पूछने का अमल जारी रहता है। और आपका जो सीखने का अमल है ये आज के बाद से 24 घंटे रहेगा आपका, ये नहीं होगा कि आप जब अपने ऑफिस में जाएंगे तो वहां सीखेंगे, जब आप इवनिंग चैम्बर में जाएंगे तो वहां सीखेंगे, आप जब बार रूम में बैठे होंगे वहां भी सीख रहे होते हैं, हाँ यार फ्रांस ऐसा आपने बड़ी जाती है, देखे ना वो 7:11 नहीं लगती थी, क्या है 7:11 क्या है, 17:03 नहीं गलत लगा दी, 17:03 क्या है, ये क्यूरियोसिटी होगी ना आप में, आप जैसे होगा तो आपको पता लगेगा 17:03 क्या है, 7:11 क्या है, 12:02 क्या है, सीखते चले जाएंगे वहां आप। बार में जब गप्पे लगाते होंगे वकील आएगा, वो बात करेगा यार बड़ी फलान है, वो जज है बड़ी जाती की यार मेरा बड़ा अच्छा केस, क्या केस था जी ये केस था, अच्छा सर वहां उससे सवाल पूछ, अपने ऑफिस में जब आप केस बैठे होते हैं, अपने सीनियर के केस के लिए कोर्ट में बैठे होते हैं, ये लर्निंग प्रोसेस है, आप सीखते चले जाते हैं। मैंने बहुत सारा काम, मैंने सर्विस का काम कभी नहीं किया, जब मैं 2007 में भरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल, सारे का सारा सर्विस का काम मैंने सुप्रीम कोर्ट सीखा, मैंने इससे पहले मैं लोगों को केस भेजता था, मैं सिविल साइड और क्रिमिनल साइड काम करता था, वहां मैंने वहां सारा काम सीखा, और मैंने ज्यादा काम मैंने कोर्ट रूम में बैठ कर सीखा, सुप्रीम कोर्ट उनके जो मुख्तलिफ केसेस होते थे वहां मैं
सीखता रहता था कि यार ये डिस्पेंसर का केस है, ये प्रोमोशन है, ये काम रिजल्ट हो गई, ये पेनल्टी हो गई, ये बजर हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ आप सीख। तो जब आप किसी सिविल कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, अपने सीनियर के लिए जाते हैं, जब वैसे फारग हैं आप, तो आप जाएं सेशन कोर्ट में जाएं, एडिशनल सिविल जज कोर्ट में जाएं, जो क्रिमिनल काम करने वाले दोस्त हैं वहाँ से देरी लगी होगी, वो आपको पता लगेगा कि देरी में क्या आर्गुमेंट स्टैंड डेवलप करते हैं, क्या बेल ग्रांटिंग ऑर्डर किस तरह हो सकते हैं, आप अगर कंप्लेंट की कौन तो आप किस कैसे, ये सारा प्रोसेस है और ये ग्रैस्प करते चले जाए। आप अगर नहीं नोट डाउन करेंगे, ग्रैस्प नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए किसी के साथ आप जाती नहीं करेंगे, अपने साथ जाती करेंगे, हमारे साथ करेंगे। ठीक है ना, ये पूरा ये निज़ाम जो आपने ध्यान बनाया, मैं अपना काम छोड़ के आया, मेरे 8-10 केस अभी पेंडिंग जब यहाँ आए, लेकिन मैंने मेरी ये प्रॉपर्टी आप थी ना कि मैं इनको जो मेरे साथ हुआ, फिर कोई काम नहीं आपका सियासत, मैंने बहुत सियासत की, मैं सिटी रहा, डिस्ट्रिक्ट बार का सदर रहा, हाई कोर्ट का, कोई बड़े बड़े ह्यूज मार्जिन से सारे इलेक्शन जीते, मैं कभी ऐसा नहीं आ रहा, ये काम नहीं है आपका पॉलिटिक्स का, ये तायुन आपका आपका प्रोफेशन आपसे करेगा। ये देखे ना, ये सियासी जमातों के बच्चे हमारे, हम देखते हैं रोज, कभी कहां उनको बुला रहे होते, कभी कहां सीट से, जो अच्छे प्रोफेशनल है उनसे मिलते करते हैं सियासी जमातें कि खुदा का वास्ता है हमारे केसेस करें। खाजा आरएस को भी देखा आपने, इस तरह के लपकते झपकते, कभी फलां चौक पे फलां साबिक वजीर आजम साहब आ रहे हैं, फलां चौक में फलां वजीर साहब आ रहे हैं, लोग मिलते करते हैं उनसे कि सर हमारा केस में एंगेज हो जाए, फीसें भी देते हैं। जब आपका प्रोफेशन होगा तो आप खुद को जब एक जगह एस्टेब्लिश करेंगे तो सियासत भी आप कर सकते हैं, जरूर कीजिए, मैं आपको कदगर नहीं लगाता, करिए, हमारी एक्टिविटी होती है, ये भी हेल्दी एक्टिविटी है, बाढ़ में बाढ़ की सियासत बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और ये वाइड इदारा है पाकिस्तान में जहां फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, कोई दाद नहीं होती, बहुत कम कदू का वाका था हमारे इस्लामाबाद में हुए, लेकिन हिस्ट्री है कि हर साल इलेक्शन होते हैं, कोई मार्शल्ला हो, कोई एमरजेंसी हो, लोग वोटें देते हैं, नेर रिलेटेड लाते हैं, पुराने चले जाते हैं, इंतजार दे के कोई जीएचयू की तरफ नहीं देखते, कोई पुलिस को नहीं बुलाते, कोई डीसी को नहीं बुलाते कि हमारा इंतजार हमें, ये जरूर करिए, और लेकिन डोंट बिकम टू लफ योर सीनियर्स, हमसे भी गलती हुई, मैंने बहुत इनिशियल टाइम इस पर ज़ाया किया, लेकिन आपको तो मैं बता सकता हूँ ना कि जिनके कोई फायदा नहीं है सियासी जवाबों की पॉलिटिक्स करने का, लॉयर्स की पॉलिटिक्स 5 साल तक, अब टोटल फोकस कीजिए, इलेक्शन का साल आए 2-3-4 टाइम जरूर दें इसको, वो एक्टिविटी होती है आपका, वो ब्रेक भी आ जाता है, फिर हमारी एक्टिविटी हो जाती है, फिर सारा सारा एक साल का बात है, लेकिन वो उन 2-3-4 दिन वो छोड़ के, या दिन में कुछ 10-15-20 मिनट आप जरूर दें कि आपको किसी ने इलेक्शन लड़ा तो जरूर करें, लेकिन इसको हैबिट ना बनाए, फिर कानून को कभी हाथ में ना लें। क्या हुआ अभी रिसेंट में आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब, उसको कोई पसंद करे कुछ पसंद ना करे, एक बड़ी मेजोरिटी यंगस्टर्स की उसको ड्रीम करती है ना, करती है ना, आपसे भी हुए उनका अपना, मैं तो वैसे भी करता हूँ, लेकिन मेरे सारे बच्चे, मेरे बेटियाँ सब उसको कहते नहीं बाबा, डिबेट करते हैं गुजारे वो देखते हैं, लेकिन क्या हुआ, सियासत रीजनिंग का नाम है, बाहर की सियासत भी और वकालत तो है ही रीजनिंग का नाम, डिबेट का नाम, आर्गुमेंट का नाम। तो जब कितनी तारीख, 27 साल की उसकी तारीख कहां गुम कर दी उसने, एक लम्हे में कहां चली गई, हमें पता कहां जाएगा, आपको नहीं कह सकता, हमें पता कि क्या ब्लंडर्स किए उसने, खुद सोजी की उसने, खुद कुछ किया उसने। हमारे साथ क्या हुआ, 2009 के बाद अदलीय तहरीक जिसे हम कहते हैं भुगला की रिट उरूज पे थी, रिट क्या थी, बदमाशी करते थे, फेंकते थे, जैसे कि जमानत में लाहौर में आपने देखा ना उनका क्या ट्रेंड था, जैसे आप 20,000 तक चल के दाड़ करो, बदमाशी अपने उरूज पे थी लॉयर्स की, हमने किसी दौर में भी नहीं की, लेकिन क्या हुआ कि हमारे हजरात ऐसे, मैं रोकता रहा जो 8 फरवरी का वाक्य हुआ स्ट्रॉन्गली हाई कोर्ट का, मैं इनको रोकता रहा कि मैं वैसे मेंबर बार काउंसिल आई हूँ, मुझे पता है आप बंद गली में जा रहे हैं, निकलेंगे नहीं यहाँ से,
वो गए बंदगी में और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो जनमन रेट थी वो भी खत्म हो गई उनके लिए। हर जगह 7-8 के बच्चे होते हैं बॉयज के खिलाफ जहाँ, और हेट डेवलप हुई सोसाइटी में। आप वो गर्दी का आ गया लोगों ने उनका, वो बिल्कुल ठीक का, इसलिए कि हर जगह हम कानून को हाथ में ले लेते हैं। जहां भी हमारे मिजाज के बात की हमने उठा के उसको मारना शुरू कर दिया, ऐसे जो आया उसको हमने मारना शुरू कर दिया, कोई और ऑफिसर आया उसको मारना शुरू कर दिया, मोहल्ले में हमने लोगों से झगड़े शुरू कर दिए। तो इसका कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता एग्रेशन का। और आपका हथियार ही आर्गुमेंट्स, वकील को बिल्कुल डरपोक हो जाना चाहिए वकालत के बाद। उसकी रीजनिंग से हट के बात करेगा, वो गाली ग्रोह से बात करेगा, वो हाथ से बात करेगा, तो वो वकील नहीं है। वकील कन्विंस करता है, वकील आर्गू करता है, वकील लोगों को डिबेट करता है। तो अगर आप, हम आपको लाइसेंस देते हैं, हम आपको काली टाई देते हैं, तो उस काली टाई की बुनियाद पे अगर आप मुआशरे को देखना, आपसे अगर मल्लेदार तंग हो, आप रोज उसके खिलाफ, आपका कुछ भी नहीं जाता, आपने तो हाथ से लिखना है दावा इस्तकरार यार बाप को उसमें नहीं जवाब में वहाँ ठोक, आपने ठोक देना उसके खिलाफ, स्टे ले लेना, दरवाज़ दे देनी एस एच ओ के पास, उसको 10 कॉलेज जाएंगे तो पुलिस वाले अपने पैसे बनाएंगे। आप वैसे वकील मिसकंडक्ट के मुद्दे में 15 के बाद मैंने आपसे कहा कि या तो सो मोटर पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास या फिर बार काउंसिल के पास है। ये दो इदारे हैं पाकिस्तान में, हाई कोर्ट के पास कोई सो मोटर पावर नहीं है, वो बगैर पिटीशन के बगैर लिस के वो कोई फैसला नहीं कर सकते। ये दो इदारे हैं जो सो मोटर ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल। तो जब भी हमें ये हमारे नोटिस में ये बात आएगी कि जी फलां वकील साहब इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हम बुला लेते हैं उसको, दो दिन में बुला लेते हैं उसको, हम शोभा नोटिस देते हैं उसका, हम सुनते हैं, सुनने के बाद हमारे कोर्ट साथ लगी होती है, हम उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, उसका और मंसूख भी किए लोगों को, घर भी भेजे लोग। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कुछ डराने जा रही हूँ बख्तर खान, मकसद ये है कि ये बात जब आपको 10 साल बाद पता लगेगी, 20 साल बाद पता लगेगी, 32 साल बाद पता लगेगी, 30 साल बाद पता लगेगी, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज की बातें बता रहा हूँ। तो इसलिए 3-4 चीजें जो आपको, और एक बात नोट कर दीजिए, इस्लामाबाद में जिस जहनी कैफियत का वकील होगा, हाई इंटेलेक्ट होगा उसका, बिल्कुल मेरी तरह का होगा, उसको अपॉर्चुनिटी उसके पास मौजूद है, और उसको नॉक करेगी, आप दरवाजा खोलेंगे तो आप सब चले जाएंगे, कोई कमी नहीं है यहाँ, बिल्कुल कमी नहीं है। ये लोगों ने कहा ना कोर्ट शिफ्ट हो रही है तो चैम्बर, कोई जरूरत नहीं चैम्बर की। आप एक केस आपके पास आ गया, कोई छोटा केस आ गया जी, आपको मोहल्ले में आप जा रहे थे तो किसी ने आपका काला कोर्ट देखा, तो मोहल्ले की खातों ने कहा बेटा ये मेरे लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट बना लो, वो सारा चीजें आप वो वहां से आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी देगी, वो आपका कंडक्ट देखेगी, तो कल उसका कहीं केस आएगा ना, वो कह रहे हैं शाम वकील साहब बड़ा अच्छा उसके उसका बिहेव उसने किया। फिर ये परफॉर्मिंग आर्ट का शोभा है, परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये गैलरी प्ले करते हैं ना वकील, आपने देखे होंगे जी कि जुल्म है, जाति है, गुनाह है, वो लोगों को बताने के लिए कर। और ये गलतफहमी लोगों की कि क्लाइंट को पता नहीं होता कि मेरा वकील कैसे परफॉर्म कर रहा है, और स्पेशली जो जो देहाती लिटिगेंट है उसको तो हर चीज का पता होता है कि ये मेरा ब्लफ मार रहा है, ये बेस्ट ब्राय बेस्ट कर रहा है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट का शोभा है, आपको हर जगह चेक करें, कितने लोग चेक करते हैं आपको जब आप वैगन में आ रहे हैं, वहां भी आपको लोग चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे जी ये वकील है बड़ा अच्छा, इसने बिहेव कर रहा है, इसने टाई उतारी हुई है, इसे कोट उतारा है, अपने प्रोफेशन के नॉर्म्स के तो ये यहाँ टाई पहन के नहीं चलते। फिर जब आप कोर्ट में आएंगे, जब आप केस को आर्गू करेंगे, वो जज आपको नोट कर रहा है, वो रीडर नोट कर रहा है, बहुत सारे केसेस मुझे उसी कोर्ट से मिले जब मैं बाहर निकला सर ये मेरा केस आप करेंगे, बहुत सारे लोगों को मिले मैं परमान बोल रहा था। तो वो सारी चीजें ये कहाँ से आप एक बड़ा नाम बनते हैं, आप ब्रांड बनते हैं, ये फुजारी का कमाल का वकील है, ये सिविल साइड का कमाल का वकील है, ये लोग ब्रांड बनाते हैं आप,
लोग ऑप्ट करते हैं, जब उनकी चॉइस आप बन जाते हैं ना, तो वो फिर इस सिद्दीकी साहब का बेटा यहाँ बैठा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सर्विस का काम करते हैं जी, ब्रांड एम नहीं बन जाता, काम करेंगे आप दिन रात। देखिए ना, वकील से सबसे ज्यादा अगर वो खातून है तो उसका बीवी नाराज होगा, अगर वो मेल वकील है तो उसे बीवी नाराज होगा, कि वकील बन ही नहीं सकता, इस 8 to 5 वाला वकील बन ही नहीं सकता वकील, जब आपको मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, टोटल 4 घंटे, एक आधा घंटा भी कभी मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हूं, आप कर ही नहीं सकते, आप बस आप रिलैक्स कर ही नहीं सकते। तो ये सारे के सारा जो 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 आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये लोग आपको देख रहे होते हैं, यही से आपको क्लाइंटेज मिलेगी, वो जो बखालत लोग आपको देखते हैं वो आपको कहते हैं जी हाँ ये बहुत अच्छा इसने आर्गू किया यार, बहुत कमाल का बच्चा नया लेकिन बड़ा दफा। रिजवान अब्बासी साहब मेरे पार्टनर भी आज हमें कटे ऑफिस हमारा, तो ये मेरे से 7-8 साल बाद आए, तो एक मुझे आवाज आई सिविल कोर्ट में फैमिली केस आर्गू करा था ये, तो मैं बाहर से गुजरा तो मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इसके आर्गूमेंट्स, उसका पहला दूसरा एक तीसरा चौथा महीना था, तो मेरे से 6-7 साल जूनियर थे, तो मैंने बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा जी बड़ा जरूर साहब आर्गू किया, तो लोग आपको गेज करते हैं, वकील आपको गेज दे देंगे, ये वकील आप में से लोग वकीलों को गेज देंगे, वो भी देखे ना उनकी बीमारी होती है, मेहनत नहीं करते, 2 लाख दिया बीच में 50 देर में डाला, 1.5 लाख दिया, 10 लाख लिया, 8 आपको दिया, 2 अपाज बन जाते हैं, अपाज मत बनिए, आप अपने केसेस खुद कीजिए, बहुत सारे वकील मुझे आज केसेस देते हैं, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद वकील होते हैं, नहीं सर ये जी आप करेंगे, भी मैं क्यों करूँगा, आप ही तो वकील, और वो एट अ पर्टिकुलर केस ऑन अ पर्टिकुलर डे वो वकील बड़ा होगा जो बेटर परफॉर्म करेगा। ये भी चलो मैं था ना कि जी फलां का चेहरा जी ये 22-23 महीना नहीं पास का, इसको बड़ा इसका चेहरा दिखता है, फलां है जी चले उस समय एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप उससे अच्छे आर्गू करें, और जज अगर अप्रोच ना हो तो वो आपसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो आपको ज्यादा मार्जिन देगा कि मैं 32 साल बाद मुझे अगर लॉ में मैं झोल दिखाऊंगा, मैं ये अगर जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं मुझे इल्म नहीं होगा, जबकि एक नए बच्चे को जो पाकिस्तान लॉ साइड से वो निकला है, वो बहुत अच्छे कॉलेज से बाहर आया है, वो एक अच्छी तरह आर्गू करेगा और बहुत अच्छे कर रहे हैं। मैं आपसे देखते हैं ना, जो पॉजिटिव बात ये है कि जो हमारे जमाने के जो नौजवान थे आज बहुत बेहतर है उससे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ के आए, हमारे तो वो मुस्लिम लॉ का लो काला जो पता नहीं पंजाब लॉ का है, जब वो मेरी आजीज जाऊँ ना जाऊँ लगती, आप तो बहुत अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम से आ रहे हैं आपको, तो जिस आपके लिए तो बहुत जबरदस्त मामला है। तो गुजारिश ही है इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है ये ICT को इम्पोर्टेंट बात आपसे बता जा रहा हूँ कि ICT कोर्ट है, लेकिन इसकी ज्यूरिसडिक्शन पूरे पाकिस्तान में है। अगर कराची में कस्टम मकाम कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो वो यहां भी आप रिट फाइल कर सकते हैं, वो कराची में भी आप कर सकते हैं, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट कराची का केस हो तो वो इस्लामाबाद में कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फास्ट आपकी जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन है हाईकोर्ट की हमारी, तो इसलिए ये वजह है कि लोग बाहर से यहाँ आते हैं, कि यहाँ बहुत पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं, आप किसी टाउन में होंगे, किसी रूरल सब डिवीजन में होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो जो आप हमारा वकील यहाँ एक केस में फेस किया था, चलो 10 केस में फेस, तो इस्लामाबाद में जो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप अगर उसको खुद छोड़ेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे खुशी की बात यह है जब हम हाई कोर्ट में मैं और मोहसिन कैनी साहब जस्टिस मोहसिन कैनी साहब रिजू करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बाज़ कमाल के बच्चे आते हैं उनको सब कुछ आता होता है जो हमें 15 सालों में आया, 20 सालों में आया, 30 सालों में आया, वो जब इश्क नहीं करेंगे इस प्रोफेशन से, ये बहुत इश्क करता है आपका, ये मैं देखना और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मुश्किल का अजय भी कोर्ट में था जी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती, कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ जो ब्रीफ आपका आपके सीनियर का है या आपका है आपके दोस्त का है उसमें आप घुसे,
इनको केस मिला तो आप साथ जुड़ जाए यार, मैं भी आपके दोस्त होंगे, मैं अपनी इनपुट देता हूँ आपको, आप सुबह जाके आपको फायर रखे सारा लॉ मिल जाएगा आपको, और उसका फायदा क्या होगा कि जब आपको उस तरह का केस आएगा तो आपका केस तैयार होगा। और एक और 95% जो लॉयर्स में हैबिट है वो ये है कि वो केस दायर पहले करते हैं, और सिविल हो या क्रिमिनल हो, और तैयारी बाद में करते हैं। सुबह केस का क्या, एक दिन डेट आ गई आप रात को बैठते हैं, बिल्कुल गलत बात है। केस तैयार कीजिए उसके बाद फाइल कीजिए उसको। आपका जब केस दायर हो उस वक्त तक यू मस्ट बी इक्विप्ड विद ऑल फायर एंड अगेंस्ट लॉ, का वो सिविल साइड है का वो क्रिमिनल साइड है। और फायदा आपको क्या होगा कि आप जो एजुकेट करने जाएंगे, जो जिस जिस जिसको आपने चैलेंज कर रखा है, जिस नोटिफिकेशन को, जिस लिस्ट को चैलेंज आप करेंगे, उसके बारे में आपको ग्राउंड्स मिलेंगे। उसके जब सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि बताइए जी आपने ये जवाब दावे में ग्राउंड लिया था, बताइए सर आपने ये एजुकेट किया था नहीं किया, यू कांट डू दैट एट द टाइम ऑफ अपील आर रिव्यू। तो जब आपको लॉ का पता होगा तो आप वो सारे ग्राउंड जो आपके केस को सपोर्ट करते हैं वो आप उसको लिखेंगे, और अगर कोई और लोग करेगा नीचे वाली कोर्ट तो आप कहेंगे हाईकोर्ट को सर वो मैंने देखा पैरा नंबर साहब मैंने मैंने लिखा हुआ ये टाइम बार मैंने ये लिखी है बात कि जी ये प्रॉपर्टी बी को सर जो भी आपकी जो दरगाह केस बातें होंगे। तो ये जरूर कीजिए, अपनी जो डायरीज ले लें, जिन जिन दोस्तों के पास नहीं है वो डायरीज ले लें। ये आज एक दिन लड़ा मैंने से किया सिविल साइड पे, और भी दोस्त आएंगे शायद लास्ट में भी आपको दोबारा सिविल साइड पे मैं जो उसके जो टेक्निक्स हैं, जो लॉ है, जो फ्रेमिंग ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप में से जो दोस्त काम करना चाहते हैं जब ये दो हफ्ते के बाद जाएंगे ना, तो आप जो मैं बिल्कुल अपने ईमान से आपको बात करता हूँ कि जो मैंने काम 20 साल में सीखा वो आप ये सीख जाएंगे। लेकिन इसको अगर खोलेंगे, जुआइयाँ लेंगे, यहाँ नींद के आलम में होंगे, अंदर से गालियाँ देंगे मुकर्रर को कि यार ये जाता नहीं है, इसके अपने ये झाड़ है, फलसफा झाड़ है, तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम बिल्कुल बार बनाने जा रहे हैं, बार बना रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आप हैं, और 40 जजमेंट हमने वो भी मैंने बहुत 2-3 हफ्ते लगाए मैंने, जो आपकी वेबसाइट पे हमारी 40 जजमेंट्स हैं नहीं है ले लें, कोई एक्सक्यूज नहीं है। उन 40 जजमेंट को बताने का मकसद ये था कि जब अगर वो 40 जजमेंट आप पढ़ लेंगे सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, उसमें आपको एक आउटलाइन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं लॉ के उसमें मौजूद हैं। मैं अगर 3 हफ्ते लगा के मेहनत कर, मुझे तो आपने पैसे नहीं दिए ना, मैं तो यहाँ कोई पैसे नहीं लेता, एक चाय का कप पीता हूँ, बाकी मैं आपके लिए जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, पिशावर जाता हूँ, मैं अपने खर्चे पे जाता हूँ, रूल में मौजूद है, कानून में मौजूद है। और ये जो ये लॉ में नहीं होता मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बतौर वकील के बतौर ऑफिस, ये आपके अंदर से गेज होता है, यहाँ से आपको ब्रिंग करता है। मेरे पास करोड़ रुपया मेरी बार में है, मैं कर सकता हूँ, ये कोई चेक नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन पूछिए उनसे, हमने 1 रुपया खर्च किया किस बार का जात के ऊपर, जो मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं हमारी यही बारें जाती रही, बाहर ऑफिशियल टूर्स पे जाती रही, मैं गाड़ी बाहर कौन सा है, मैं अपने पास पेट्रोल दिलवाता हूँ, रूल्स में है कि मैं ले सकता हूँ पेट्रोल, 5-5, 6-6 करोड़ रुपये में पंजाब बार का वाइस चेयरमैन को पड़ता साल में के पी के बार मसल बार मसल। इसी हॉल में अरे सास वाले हॉल में मीटिंग थी, मेरे दोस्त ने कहा 5 मेंबर से बच गए, आज मीटिंग है आपने आना है, हमारे मेम्बर में से किसने कहा, मैं कहती कौन सी मीटिंग है, कि जो इंटर प्रोवेंशियल मीटिंग है और उसमें वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इंटर प्रोवेंशियल कमेटी के लोग हैं, जो यहाँ आएंगे तो आपने, मैं टीवी में था, टीवी में लेट होकर इधर आया, तो वो कंक्लूडिंग सेशन पर जा रहे थे, सब वाइस चेयरमैन थे, मुस्तफा कौंसिल के चेयरमैन थे, इंटर प्रोवेंशियल कोऑर्डिनेटर थे। मैंने उनसे कहा कि मैं क्या सबसे बड़ा जुर्म हम करते हैं लोगों से, आप करते हो, इस मिट्टी की कोई जरूरत थी आप मरी की सैर करने आए, हिंदुस्तान वाले सिंध वाले मरी की सैर करने आए, आप 2-2 हफ्ते यहाँ रहेंगे सर, आप बाहर खर्चे भी आप रहेंगे,
आप नहीं समझते जुल्म है। और हम मीटिंग करने किस पे जा रहे हैं जी, कि जुडिशियल कमीशन में वकीलों से। मैंने कहा जी घिसा पिटा एजेंडा हम तो 50 दफा मीटिंग हो चुकी, मुझे भी उन्होंने बुलाया कोटा। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आपने बिल इनपुट लगी है मुझे स्काइप पर, मैं आपको लेकिन मैं क्यों जाऊँ यहाँ 1.5 लाख रुपये बाहर दोनों का लगा। मकसद ये नहीं है कि सेल्फ प्रेजिंग करना, मकसद आपसे ये है कि ये जो आपके अंदर एक लगा है ना ब्रिंग करता है, आप अपनी अथॉरिटी को जब मिस यूज करेंगे एक दफा आपको आवाज देगा कि डोंट डू मिस्टर फलान, डोंट डू मिस्टर शेख, ये ना करें मलिक साहब, ये ना करें, ये फाइल आ जाएगा बंदा। आप ये बंदा जिसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा 2 मरले का घर बनाया, ये तबाह हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मैं जुल्म आपसे करूं, मैं तबाही आपकी करूं, जाके माफी मांगता हूं मक्का मदीना, वो तो माफ नहीं करेगा। इसलिए खुदा का वास्ता है ये हमारा, हम कहां जा रहे हैं। देखे ना एक आज वो जो इमरान खान कहते हैं लोग क्यों उसके पीछे लोग जाते हैं, यंगस्टर जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि आप लोग कन्विंस है कि घिसा पिटा निजाम है जो लोगों ने पिछले लोग थे, शायद इमरान का कमाल नहीं है, लोग जो पिछले लोग थे उन्होंने तबाही की इस मुल्क की। तुझे कब ठीक होगा, ठीक तब होगा जब मैं अपने तो अपने काम में ठीक करूंगा, मैं ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा कि यार ये मेरा ईमानदारी है कि मैं अच्छे वकील प्रोड्यूस करूँ। तो मैं भी कह सकता ना, मैं तो नहीं कह सकता कि जाके कहूँ कि आप सीटी ठीक कर दो, जाके कहूँ कि जी कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ठीक करो, जहाँ करप्शन की अंदाज है। तो जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे, और बिल्कुल ये जज्बाती बात नहीं है, ये सीधा हो सकता है, इस बार को एसोसिएशन को हम सीधा करेंगे, हम सीधा कर रहे हैं, क्यों नहीं जुलूस निकालते, आपने निकाले ना जुलूस, हर छोटे बड़े काम पे जुलूस निकालते थे, चले जी वहां चलते हैं अपारा चलते हैं, चले जी अब वहां चलते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल हम आपको नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, लोग प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सियासत से दूर हो रहे हैं, पॉलिटिज्म से दूर हो रहे हैं, ये जथाबदारी से दूर हो रहे हैं। तो जब हम शौरी कोशिश ही नहीं करेंगे, मैं यहाँ फोन पे आपको लाइसेंस दूंगा, हाँ जी ठीक है जी मेहरबानी जी, फिर 10 फोन आएंगे ऐसा बड़ी मेहरबानी तुझे सारे बच्चे कुछ यहाँ तुझे पास कर। ये कल्चर खुद आप इसको इसको निगेट करें अगर। और देखिए ना आपको अभी 2 हफ्ते का ये ट्रेनिंग कोर्स, क्यों आप तैयारी नहीं करेंगे मुझे बताएं, क्यों जाके आप घर जाके आप चैटिंग करेंगे, आप दोस्तों से गप्पे लगाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, कमेंट्स करेंगे लोगों को 10 लोग, आप पढ़े ना 40 चैप्टर्स पढ़े, क्यों ही पढ़ेंगे। आपका कैरियर उस पर बेस करता है, 40 की 40 चैप्टर सर्व साइड की भी हैं, टेक साइड की भी हैं, जुरिस्डिक्शन की भी हैं, लैब की भी हैं, क्रिमिनल साइड की भी। तो अगर आप करना चाहें तो आप, मैं जब आपसे पूछूंगा यहाँ कमरे में बताइए जी कितनी चैप्टर पढ़ी, वो सर मैं नहीं पढ़ सका, मैं जी क्यों नहीं पढ़ सके, वो सर मेरे को अभी नासाज थी। आपकी तबीयत क्यों नासाज होगी भाई, 22, 25, 26, 27 साल, हमारी अभी तक नासाज नहीं हुई, तो अभी तक तो ये पढ़ें, ये हम पूछेंगे आपसे हर जज में। देखे ना मैं आपको नहीं कहता कि आप उसको, आपको उसके आपकी साइटेशन याद हो, आपको उसकी एक एक फैक्ट्स याद हो, उसके प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, एक दफा नहीं आती दूसरा पढ़े। यस ये जी का लॉ डिवेल्प हो गया जी 2016 पीएचडी सुप्रीम कोर्ट पेज फलाना, एक व्यू था कि इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में एक व्यू था जो जस्टिस खोसा का था बतौर हाई कोर्ट में भी और जब सुप्रीम कोर्ट में भी उनका व्यू था कि जी जो लैंड ग्रैबर है उसके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए लैंड ग्रैबिंग के, कि मैं आजी साहब की घर पे कब्जा कर लेता हूं अगर मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं है, मेरे पास पिछले FIR नहीं है, मेरे पास बदमाशी का सबूत नहीं है, तो मुझ पे इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट नहीं लगेगा। ये लॉ था, उसको रिविजन किया 16 की जजमेंट में, 2 जजमेंट से 5 ऑनरेबल बैड डेट लॉ डिक्लेयर कर दिया। ये क्या बात है, एक आदमी जिसकी क्रेडेंशियल्स पहले ना हो, अलीम वासी मैंने पहले कोई कब्जा नहीं किया, तो मुझे आप लाइसेंस देते कि मैं अब जाके कब्जा कर लूँ तो आप मैं इसकी एम्बर से बाहर हूँ। तो वो लॉ मार्शल हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ मैन हु इज डिस्पोजिंग समबडी एल्स मस्ट हैव क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑक्यूपायर और जो जो लिखा गया। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ना कल आपके पास केस आएगा। कोशियर की बात है कि जी पहले वो भी डिफेंस होता था जी कि कोशियर जो लॉ रेवेन्यू लॉ में तो ये सेटल है ना कि अ कोशियर इज इन पोजिशन ऑफ एवरी इंच ऑफ लैंड, एक खसरे में 10,000 गज जमीन है मेरी, वहां 2 मरले है। तो लॉ ये कहता है कि आई एम डीम टू बी इन पोजिशन ऑफ एवरी इंच ऑफ दैट 10,000। लेकिन उन्होंने कहा लो
ये क्या बात है कि मेरे पास, मैं 2 मरले का मालिक हूँ, दस मरले वाले को 10 कर, उसको भी उन्होंने क्रिएट किया। तो ये जब पढ़ेंगे नहीं, यही केसेस आपके पास आएंगे, फिर FIR आपके पास आएगी जी। आपको पता ही नहीं होगा कि जी एक वो हुआ, एक FIR हो गई, तो आपके पास दूसरा बंदा आता है कि जी ये ऐसे वकुआ नहीं हुआ, ये ऐसे वकुआ हुआ, वो अग्रेसर नहीं था, मैं अग्रेसर नहीं था, वो अग्रेसर था, लेकिन उसे गलत करके मेरे खिलाफ FIR करवा दी। तो आपका जब ये पता होगा कानून, ये है कि सेटल लॉ ये होगा कि एक वकुए के जितने भी अकरेंसेज होंगे, जितने भी उसमें कंप्लेंट होंगे, जितने भी वर्जन होंगे, वो एक ही FIR में जाएंगे, उसी में इन्वेस्टिगेट होंगे। 10 चालान हैं, अगर 10 लोगों के 10 वर्जन हैं, एक ने कहा जी अलीम का फायर किया, उसका अलग जा सकता है 170 के ऊपर, एक बंदा कहता है बी ने फायर किया, तो वो सारे के सारे वर्जन। तो अगर आपको इल्म नहीं होगा इस कानून का, तो आप तो कहेंगे जी मैं आधे में पैसे दो, मैं तुम्हें भूमि FIR करा दूँ, आप नहीं करो। तो मकसद कहने का ये है कि वो जजमेंट पढ़िए 40, और जो अभी एक टॉप के हमारे जितने भी लोग हैं जो आने जा रहे हैं, कोई रेवेन्यू का एक्सपर्ट है, कोई टैक्स का एक्सपर्ट है, कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति है ना, जहाँ जहाँ जो जो इंटरेस्टेड है। और ये भी एक बात नोट कीजिए आप कि ये आप इसका तयन नहीं करेंगे कि आप सिविल लॉ के एक्सपर्ट बनेंगे, रेवेन्यू के एक्सपर्ट बनेंगे, टैक्स के एक्सपर्ट, ये आपका काम आपको लेके चला जाएगा। शुरू में सब काम कीजिए, सब काम लें आप, ये कोई वकील नहीं होता जी कि मैं ये रेवेन्यू का वकील है जी, ये बाद की बात होती है जी, जब आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है। आपको सिविल का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको क्रिमिनल का भी पता होना चाहिए, आपको सर्विस का भी होना चाहिए, आपको टैक्स के ब्रॉड चीजें को पता होना चाहिए कि जी एडवोकेटिंग ऑफिसर नोटिस देता है उसके अगेंस्ट कोई अगली पार्टी कहाँ जाएगी, कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के पास क्वेश्चन ऑफ बाप है, तो बेसिक चीजें आपको नो आओ। और पूछेंगे ना आपसे, वहाँ बस में सफर कर रहे होंगे, तो भाई साहब 10 बजे मेरा नोटिस आ गया, आपको नॉलेज होना चाहिए, और फिर आपकी आपका काम आपको लेके चला जाएगा वहाँ पर, ये सर्विस का एक्सपर्ट है, ये टैक्स का एक्सपर्ट है, ये रेवेन्यू का एक्सपर्ट है। तो जब हम आपको बुलाएंगे इन 2 हफ्तों के बाद, फौरन आपको NGO के लिए कॉल करेंगे, उसके मीटिंग में भी मैं चेयरमैन, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे उन 40 जजमेंट के बारे से। ये बार बार इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग, कुछ लोग कहते हैं सर हमें मिल नहीं सकी, आप लाइब्रेरी चाहिए, कॉपीज कराएं, उनकी कोई खर्चा नहीं होता, 40 जजमेंट आपको जिंदगी भर ही काम आएंगे, कॉपी करा के उसकी बुक बना दें, जब भी टाइम मिले उसको निकाल लीजिए, आज ये पढ़ ली, उसको टैग कर लेंगे, ये 85 वाली अपने पढ़ ली, आज 90 वाली पढ़ ली, वो मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका बेनिफिट होगा। तो वो कीजिए, और प्लस जिस जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें नहीं भी इंटरेस्ट हो आप नोट डाउन कीजिए, जो प्रॉपर अभी तो मैं ब्रॉड बातें आपसे की मैं, लेकिन जो कल से आपको सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर दिए जाएंगे तो वो नोट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, देखिए ना जो आपकी क्वेरीज हैं आपके दिमाग में, कोई भी नहीं है, कोई जो जो दिल करता है आप करें, हमारी रात के हवाले से करें, जो यहाँ आपके स्पीकर आए हैं उनसे पूछिए, जो भी आपको आपके फियर्स हैं, जो जो चीज़ें आपके दिमाग में हो आप पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। और इनमें से भी जब आप कमेंट रू लेंगे, वो 20 केसेस जो आपने लिस्ट के साथ लगाए होंगे, कुछ लोगों ने डमी लगाए होंगे, कुछ लोगों ने जनरल लगाए होंगे, जिन्होंने डमी लगाए वो भी ढूंढें, उस जिस सीनियर के केसेस लगाए उसकी फाइलें लें और पढ़ें कि जी ये इलीगल डिस्पोजिशन का केस था, ये कंजुगल राइट का केस था, ये मेंटेनेंस का केस था, ये मर्डर ट्रायल था, ये 200 की कंप्लेंट, ये जितने जितने आप, उसका मकसद ये होता है, देखिए ना इसका मकसद कदा ये नहीं होता कि वो 20 केसेस, मतलब ये होता है कि वो 20 केसेस आपने किए, आप अपने सीनियर के साथ गए, आपने अपने सीनियर को असिस्ट किया, उसमें फॉर एंड अगेंस्ट लॉ आपको इल्म था कि आप मेरा, अगर आप मेरे एसोसिएट हैं यहाँ बैठे हुए, तो अगर मैं ये मेरे केस की रिश्त लगाएंगे तो इनको पता होना चाहिए कि मैंने इस केस में क्या किया, जिस केस में ये गए हूँ इनको इल्म होना चाहिए कि जी ये इस केस में ये लॉ था, इसमें ये क्वेश्चन इन्वॉल्व था, चले फैक्ट का आपको नहीं समझ आए, तो ये ज़रूर करें, उन 20 केसेस को तैयार करें, जो 40 जजमेंट आपने सुप्रीम कोर्ट को दी उसको डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पर भी आ सकती है, हमारी वेब फेसबुक ऑनलाइन बार कौंसल की उसमें भी है, अगर नहीं किसी को मिलती तो आपस में शेयर करें, और लाइब्रेरी चले जाएँ, वहाँ कॉपी नहीं करना पढ़ाना चाहता तो वहाँ बैठ करें, अभी आपके पास इतना बिल्कुल आप इतने बिजी नहीं है कि आपको हम आपको ये आपको डिफेंस नहीं होगा, ये एक्सक्यूज आपको नहीं चलेगा कि आपके पास टाइम नहीं था,
आप जो कि बहुत बिजी थे, ये एक्सक्यूज नहीं है। तो ये लेक्चर 40 जजमेंट्स प्लस वो 20 जजमेंट्स, वो जो 20 केस आपने दिए गए, इनकी केस आपने कंडक्ट किए, उनको आप तैयार कीजिए। और इंशाल्लाह ताला ये बार काउंसिल हमारे आपके जो रिसोर्सेज हैं सारे आप पर लगाना चाहते हैं। हम आपको ही रिसोर्सेज, हम आपको बहुत अच्छी, जब आप यहाँ से जब लाइसेंस लेने जाएंगे आपको हमें बहुत जदीद और कम से कम उससे 40-45 बुक्स हैं आपको अगले 5-6 सालों में। वैसे तो ये हैबिट डेवलप करें कि आपको जो मंथली जो हमारे जो मिसालें हैं, SCMR है, PhD है, CLC है, MLD है, ये 5 अगर कम से कम जो है वो आप लगाएं और 400-500 रुपये आप महीने का उस पर खर्च करें, ताकि उस पर आपको लेटेस्ट लॉ मिलता जाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशन को सस्पेंड कर दिया। कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, या क्वेरी आपने आएगी कि जी एक एक्ट पास किया सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। ये सत्तारोपणी बेंच का फैसला है कि आप किसी कानून की वायरीज को सेटिसाइड कर सकते हैं आफ्टर हियरिंग द केस, लेकिन यू कांट सस्पेंड द लॉ इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कर सकते कि देखना सुप्रीम कोर्ट इज अ चाइल्ड इज ऑफ द पार्लियामेंट, उसकी कोख से पैदा हुई ना सुप्रीम कोर्ट। आईन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट में कौन है, छोड़ दीजिए पार्लियामेंट में कौन, लेकिन सिस्टम में तो पार्लियामेंट वही है ना। ये अलग बात है कि सारी ड्राफ्टिंग लाभ रशी करती है, इनको पता नहीं होता हमारे नए लोगों की ये काम इनका, ये नालियों में फंसे आप हमें नहीं बताते कि हमारा चबर नहीं है, हमारे वहाँ पुराना नहीं है, मेरा काम नहीं है बार बार का, लेकिन हमें करना पड़ता था। हम आपके बाद हमें इस काम पर लगाया, हमारा काम ये काम है कि आपको ऑपरेट करना है। लेजिस्लेचर का काम नहीं है कि वो नालियाँ बनाए आपके लिए, सड़कें बनाए, लेकिन वो सारे तो लगे गोटे तो नहीं, उनका काम लेजिस्लेट करना है। लेकिन सारी ड्राफ्टिंग होती है लॉ मिनिस्टर करता है, और एक होते थे साहब का नाम ही भूल गया, 50 साल से उनके जब घर जाते हैं बीमार होते फिर उठा के रहते हैं, आप का जरूरी है, वो सारी लेजिस्लेशन को तैयार करते हैं, ये जाके साइन करते हैं। तो जब आप ये जनरल्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि जी आप व्यू दे सकते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सेनेट, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड इंक्लूडिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस। अगर आप उसको रोकेंगे, कोई भी पार्लियामेंट है, इमरान खान की है, नवाज शरीफ की है, बी की है, सी की है, तो आप नहीं कर सकते। ये ट्रांसग्रेशन है आपके, आप अपने हुदूद से ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। इसी तरह जो ये इन्होंने काम शुरू किया पार्लियामेंट वालों ने, बुलाओ रजिस्ट्रार को, आप नहीं कर सकते। आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किस तरह कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट किस तरह चेक कर सकते हैं। कल अगर ये रीत डिवेल्प हो जाए कि जी रजिस्ट्रार आए और आपने बताया कि जी हमने ये किया उस पहले कि आपको ये आप कह रहे हैं आपको ये मिसकंडक्ट चीज जैसे, तो नहीं चल सकता। इनके अपने अपने डोमेन जी, जब आप पढ़ेंगे आप से लोग राय भी लेंगे और आपको अपना खुद भी अपना इनपुट देना कि जी क्या ये। और हमारे देखो ना, हमारे साइंसदानों को भी देखिए, उनको एक कभी वो एक साइंसदान गाली नहीं पड़ता, उसके खिलाफ फैसला है, कभी उसके आग में आए तो उसको आसमान पर ले जाते। तो ये अजीब सा सिस्टम है, इसको हम निकल सकते हैं, हम अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपका वक्त किया। तो कल जो टाइम सिटी साहब ने बताया था आपको, उस टाइम पर आइएगा, काली टाई मुनासिब नहीं, कल आप नहीं टाई, अगर ग्रीन टाई छोड़ दीजिए, ब्लैक टाई है, लेकिन कि अगर ये अपने अगर डिवेल्प करेंगे तो फिर रेगुलेशन में आएंगे। जब आप अगर हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे माँ बाप होते हैं, तो ये जो फ़र्क है ना दूसरी गाँव में हमें क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है कि वो चीज़ें वे करते हैं, आप कोई नहीं रोक रोक सकता। काली काई पहले से अगर आपने वो है, ताकत है, आपने पैशन है, तो आपको काली काई के मैंने कहा ना, मैंने कल किसी को कह रहा था कि द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी मैंने शादी भी करी 97 में, मेरे बच्चे भी डॉक्टर जवान। तो मैंने कहा कि द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई गॉट द लाइसेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2007 में, मुझे मैं हवाओं में था, आई वॉज फ्लाइंग, मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा, मैं वाइस चेयरमैन रहा, मैं सदर रहा, मैं हाईकोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, बहुत सारे अल्लाह की मेहरबानी, तेरे बच्चे हुए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपने आती, लेकिन दैट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, जब मैं बिल्कुल आई वॉज अ चेंज मैन। तो आज भी इस वक्त तक जो लोग इसको
ऑप्ट करेंगे, कॉन्शियसली ऑप्ट करना चाहते हैं ये करने के लिए कि जी आपने भले में लोगों को बताना चाहिए वकील हो गया बेचारा, आपने प्रॉपर्टी डीलर का इलेक्शन लड़ना है, वहां का जी मैं वकील नहीं हूँ, मैं जब वोट ही पाना, वो अलग बात है। लेकिन जब आप इसको सीरियसली लेंगे तो आप इसमें स्काई इज द लिमिट, कहीं कोई लिमिट नहीं है, खरबों रुपये का मुंह मांगे पैसे देते हैं वकील को, जो जो काम के वकील होते हैं नहीं नहीं जी क्या केस आप ही करेंगे सर, ये 2 करोड़ का आप करोड़ का लेकिन केस आप ही करेंगे, ये हम सुनते हैं सुनते हैं, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं पता होगा, आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे, लॉ का नहीं पता होगा, तो आपको क्यों लोग आपको आपको इंगेज करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ पिछड़ा आप क्वेश्चन करना चाहें मैं हाजिर हूँ, और एनी टाइम बैसी वाइस चेयरमैन के भी बैसी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द बार के, मेरा मेरा 24 घंटे खुला रहता है मेरा मोबाइल फोन, और अगर मैं कॉल अटेंड ना कर सकूँ तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज जो मैं काम करता हूँ अगर आप समझते हैं आपका कोई प्रोपोजिशन आपको समझ नहीं आती, कोई और चीज जिसमें जरा मेरा जो जितना छोटा मोटा तजुर्बा है वो मैं आपको दे सकता हूँ, और एनी टाइम 24 आवर्स अ डे और 7 डेज अ वीक आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आज भी क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो मैं आता हूँ। इसका जो वो है ना हमारा जो करिकुलम है वो हमारी इस पर लिखा है हमारी इसको ये भेज है ये लगाई ठीक है, तो पूरा नोटिस बोर्ड में लगा नोटिस बोर्ड लगा दें और दूसरा ही करें कि वो अभी हमारी जो फेसबुक वाली साइट पर जाते फेसबुक पर जाएंगे ना इस्लाबाद बाग मुसल लाइब्रेरी से हमारा वो लोगो है ये अभी इस पर अपलोड कर देगा सारा हमारा जो कोर्स है करिकुलम जो है वो ब्रॉड चीज़ें इसमें सारा डिटेल में आप थोड़ी देर देख सकते हो डिटेल जहाँ अपलोड करेंगे ना आपको हमने जो जो लेक्चर देने हैं वो एक ब्रॉड उसका हमने सब्जेक्ट वहाँ लिखे जो जो भी है और हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर्ड है तो वो आप अभी करा रहे हैं वो अभी आज वैसे पहले भी हुआ रहेगा फेसबुक पिछले दे दिए अभी जो फ्रेश होगा वो हमारा मेरा लेक्चर भी वहाँ होगा जो बाकी लेक्चर भी होंगे पिछले लेक्चर भी आप सुनना चाहें वो भी होंगे किसी टाइम जब आप फारा हो किसी का लेक्चर उठा कर देख लें तो वहाँ सारे मौजूद हैं तो ये भी होगा और वो आप देख लीजिएगा। वो भी साइटेशन शेयर कर देंगे आपको फिर आप कॉपीज आप करवा लें बाहर की लाइब्रेरी से करवा लें अपने लॉ साइट से कर लें वो देख लें वो भी कर दें आप वो उसके दोनों आप अपलोड कर दें ठीक है जी सर। मैं आपको बताऊंगे हुआ क्या इस्लामाबाद जब आपको शायद इल्म होगा आपको बच्चे नए हैं तो 2010 की बात कर हमारा कन्वेंशन था लॉयर्स मूवमेंट का कन्वेंशन था तो मैं उसको यूज कन्वेंशन था पूरे पाकिस्तान से लॉयर्स आते थे और बड़े बड़े जुलूस आते थे तो वो धमाका हुआ एक सुसाइडल अटैक हुआ वहाँ 18 लोग वहाँ शहीद हुए या खुदा बेहतर जाने क्या हुआ 18 लोगों की जाने गई वहाँ तो मैं स्टे सकती था और मैं इतना इन्वॉल्व था उस पैशन में उस नजरिए में कि मुझे डीसी ने कहा कि अलीम साहब इसको कॉल ऑफ करें मैंने कॉल ऑफ नहीं किया मैंने इफ्तिखार चौधरी को फ़ोन किया इफ्तिखार चौधरी साहब और इफ्तिखार हसन साहब जरूर शक्ल में आ रहे थे सुप्रीम जो जजेस का रोनी है वहाँ से आके यूज गैदरिंग थी 5,000 की 10,000 की उन्होंने कहा कि उसने मैं कहा जी मैं कॉल ऑफ नहीं करूँगा उन्होंने चीफ साहब कहना कि कॉल ऑफ करें इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं कॉल ऑफ करेंगे हमारे बहुत सारे लोग यहाँ डेथ हुई है और आप आएंगे आप दुआ करेंगे यहाँ हमें 3 घंटे वहाँ मुझे डी सी ने कहा कि जी सुसाइडल मौजूद है नीचे आप कॉल ऑफ करें खुदा का वास्ता है मुझे बहुत से लोगों का मैं कह नहीं करेंगे तो ये तो नहीं था कि मैं डरपोक नहीं था जान से तो अजीज कोई चीज़ नहीं थी ना लेकिन मेरा ख्याल था कि हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम भाई बहुत ये सेटल हो जाएगा आपके तय हो जाएगा कि आज के बाद मुल्क में इदारे अपने वजूद में काम करेंगे वो बाहर नहीं आएंगे तो क्या हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब उसके बाद बहाल कराया मैंने
फर्स्ट मार्शल लॉ था, फर्स्ट डिक्टेटरशिप थी, ट्रांसग्रेशन थी गवर्नमेंट के अफेयर्स में, एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स में, पार्लियामेंट के अफेयर्स में, कोई कानून साजी नहीं होने दिया। तो देखे ना इसे बट, और ये तो बाद में हुआ कि जी ये शरण को हटाने की लड़ाई थी, इधारों के अंदर थी, और उस वक्त देखे ना वकीलों को 24-24 घंटे आपको वकीलों को लोग चूमते थे, हमें जुमा करते थे लोग, जहां प्राइवेट फंक्शन का आप तो गाली देते ना, चूमते थे हमें भी जी, लोग टीवी पे देखते थे हमें कि जी बड़ा जबरदस्त आपने किया, बड़ा कमाल किया, हमारे दिमाग में तो वो था। तो वो जब बाद में पता लगा जी, तो वो तो मामला कुछ और था, और आपने देखा नहीं उनको उसके बाद के जो पोस्ट वो थी मामला उसमें क्या हुआ। तो बात ये नहीं, वो भी ऐसी था, वो भी मुशर्रफ को हटाने का बहाना था, और उस वक्त वकीलों को 24 घंटे दिखाते रहते थे, और बाद में वगरा अगर आपने देखा होगा कि पूरे का पूरा सेगमेंट था जो मीडिया का, वो कहता था जी कि ये वगरा गलती करते, ये भी कॉन्शियसली किया गया कि गाली बनाई गई वकीलों को, ये इसी चौक में आ रहा था, यहाँ से मैं मुड़ने लगा तो मैं मुड़ा था, एक गाड़ी वाला गलत आया, मेरी मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बिल्कुल यू टर्न जब उसको जगह दी तो वो बोली जी आगे वकील हो, बदमाश है वकील, देखते देखते वो 10 लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहूँ यार को खुदा का होप करें, मेरा क्या कसूर है समझ बताएं, नहीं 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 वकील हो गई बदमाश, मैंने कहा जो मैं जी मैं बदमाश नहीं। तो ये माइंड सेट था कि जी ये बदमाशी करते हैं वकील, फलां करते हैं फलां करते हैं, वो भी कॉन्शियसली किया गया, मीडिया को गाली बनाई गई कि यार ये एक सेगमेंट है जो हमें कल तंग करेगा तो इसको तोड़िए तोड़े इसके। तो मकसद ये है कि वो उसके जो आफ्टर शॉक्स थे, जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, जो आफ्टर क्या मिला हमें मुझे बताएं, क्या अदली आज़ाद हो गई, मुल्क आज़ाद हो गया, इदारे अपने अपने जगह भी चले गए, नहीं गए ना, ज़रा कॉन्फ्रेशन हुई, कभी कौन करता था अभी कौन करता है। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट है, तो हमें इल्म होना चाहिए बतौर प्रोफेशनल के कि जी इस तरह की आपको फेस करनी पड़ेगी। और सर सर ये तो ये है कि आपने जो कहा रियली अप्रिशिएटेबल है कि जो आप चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली एक तसलसल होता है, यहाँ क्योंकि साल के बाद टीम चेंज भी होती रहती है, तो चेंज होने के बाद माइंड सेट भी अल्टीमेटली चेंज होती है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा आप तो राइटिंग में ले आए ये सारी चीज़ों को, जैसे आज का आपका लेक्चर था यहाँ पे प्रोजेक्टर के ऊपर इसके जो बुलेट पॉइंट थे वो यहाँ पे होते हैं, तो ये ज़्यादा फिक्स हो जाता है और माइंड्स में भी और हिस्ट्री में भी ये एड अप हो जाता है। इसी तरह से जो अगले लेक्चर हैं, अगर तमाम लेक्चर देने वाले जो हैं वो नो डाउट जितना सालों में पढ़ा है वो अल्टीमेटली सच है कि वो दिनों में उससे ज़्यादा सीखा जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग होते हैं। लेकिन अगर वो ये सारे के सारे लेक्चर सिर्फ बोलने की बजाय किसी ना किसी फॉर्मेट में, आपके जूनियर जैसे होते हैं जूनियर वकील आपके साथ बनाया जाए, तो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वो प्रेजेंटेशन बना दें और उस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे दे दिया जाए, तो इसके इफेक्ट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी जहाँ तक ये रिसीव होने वाली बात है, ये तो फॉर्मेट रिसीव होती हैं, ये पूरी की पूरी नेशन ही अभी भी हमें नहीं पता कि अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं, वी डोंट नो, बिल्कुल अभी ना इमरान की लड़ाई है, नवाज शरीफ की लड़ाई है, ये कहीं और लड़ाई है जिसमें और अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में काम तो यस। तो ये जितना भी साउथ ईस्ट एशिया से जहाँ से मुस्लिम कंट्री शुरू होते हैं और तर्दानिया तक चले जाएं, प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं में है, बाकी नहीं है। और उसकी बेसिक वजह जो है वो रॉ मटीरियल है, कि सारे गरीब मुल्कों के साथ सबसे अच्छे रॉ मटीरियल है, वो उसकी लड़ाई है जिसमें हम किसी और तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन इसके दो बेसिक एलिमेंट हैं जो किसी हद तक मुजरिम हैं, जिनके ऊपर हमने काम नहीं किया। पहले नंबर पर है उस्ताद, हमने पिछले 75 सालों में अपने उस्तादों के ऊपर काम ही नहीं किया, यानी कि स्कूल टीचर बच्चे को इस तरह से बना के ले आता है कि हम उसको बाद में सुधार ही नहीं सकते। कानून की तरफ आए तो इस साल हमारा ये लॉ का जो क्राइटेरिया, जैसे आपने पहले बयान फरमाया है, अल्टीमेटली आप सीनियर हैं तो आपने वो सारा देखा और आपने अपने मुँह से कह भी दिया कि वो वक्त ऐसा था कि जिसको कहीं दाखिला नहीं मिला वो लॉ में ले लेता था, और या वडेरों के जो बच्चे होते थे उन्हें पता होता था कि हमने बाकियों पर प्रेशर डालना है तो बच्चे को ला जरूर करवा दें, ये अर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ अपर हैंड पे रहेगा। लेकिन अब आप उस सारे स्टेज में से गुजर कर वर्ड्स मेचोरिटी आ गए, जैसे आपने खुद फरमाया कि आप लोगों ने तजर्बात भी कर लिए, बदमाशी भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब हम एक पैराई में आ गए,
अब हम अपने गोल ना सेटल कर लें, और कभी भी दुनिया में गोल जो है वो वर्बली सेटल नहीं होते, इसको हम हदूद हदूद में ले जाएँ। अब ये सारी चीज़ों के एजेंडे, सारी चीज़ों का सारा कोर्स, इसको हम तरीके से अगर ले आए और इसी तरह से लेट सपोज जैसे बाहर के मुल्क वाले पोथ लेते हैं, अभी हमारे गवर्नमेंट में कोई भी बंदा एंटर होता है, मैंने कभी नहीं सुना कि गवर्नमेंट का कोई इदारा उसे ऑन ऑफ लेता है कि मैं डॉक्टर भर्ती हो रहा हूँ तो मैं इस फलां हॉस्पिटल के रूट के खिलाफ नहीं जाऊँगा वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद राजभवन सब कोई पोथ भी लेगी या नहीं लेगी, बट इट शुड भी कि अगर कोई ये तो आपने बात की ना कि जी जो नई बार नए लोग आएंगे नेक्स्ट ईयर, ये जो रिफॉर्म्स वाला सिलसिला ये इस बार दोस्तों ने शुरू किया 2021 में, हमारे कोई दो साल हमारे हुए और जिंदगी अगर है तो 3 साल और हैं हमारे, और हम ये चाह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड इतने ऊंचे करके चले जाएं कि कल देखें ना जब आप अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, आप में फेवरेटिज्म नहीं होगा, डिस्क्रिशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स को बीट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं कोशिश में लगा हूँ कि हमारी यहाँ प्रॉपर एकेडमी इस्टेब्लिश हो, और इसके लिए मुझे आई होप कि इसी वीक या 2 हफ्ते में मुझे 50 लाख रुपया नॉमिनेशन से मिलेगा। वो जो आपने दूसरी बात कही, एक बात तो ये है कि इन 3 सालों में तो इंशाल्लाह ताला ये बार कौंसिल आगे जाएगी, मुझे मुनासिब बात नहीं लगती है लोग यही कहते हैं कि जी बार कौंसिल अली में बस चला रहा है, ये सही कहते हैं गलत कहते हैं, लेकिन मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लगता है इसलिए कि मेरे दोस्त मेरे रफ्तार कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने को मैंने बात की और उन्होंने मेरी गलत बात कोशिश करता हूँ ना करूँ, वो ऐसा नहीं होता कि जो हम करते हैं वो ना माने, तो ये और बहुत अच्छे बार कौंसल है, मेरे कमाल के लोग हैं, कमर साहब हैं, जुफार बाजी साहब हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, साफ सुथरे लोग हैं, काजी साहब हैं, कोई मतलब मैं इसलिए नहीं कि मेरे रफ्तार में बात करूँ, बारहवों का जो कलेक्टिव विजडम है हमेशा सही होता है, अवेलेबल स्टाफ में वो उनका जो बेस्ट ऑप्शन है मुझे छोड़ दें, लेकिन बाकी उन्होंने बेस्ट लोग जो अवेलेबल स्टाफ में 22-23 लोग थे उन्होंने बेस्ट लोग लिए, ये अलग बात है कि आज जैसे लोग शायद इस प्रोसेस में आना ही ना चाहें, तो वो होगा। जो दूसरी बात आपने कही कि लेक्चर का, एक तो वाली बात यह ना कि हमारे ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, ये सारे के सारे लेक्चर आपको हमारी वेबसाइट में मिलेंगे, वो ठीक है, वो जब हमारी अकेडमी स्टैब्लिश होगी उसमें फिर हम ये करेंगे कि हमारा एक परमानेंट यहाँ डायरेक्टर होगा, वो डायरेक्टर के नीचे स्टाफ होगा, और वो स्टाफ सारे का सारा अभी हमारे पास चूँकि जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो हम उनको ऑनरेरियम नहीं दे पाते, वो मेहरबानियों की होती है कि अपने टॉप टॉप प्रोफेशनल है, ये नहीं है कि जी फलाँ मेरा दोस्त है उसको मैंने बुला दिया, ऐसा नहीं है, मैंने ढूंढ के पूरे 20 डिवीजन से मैंने लोगों को इकट्ठा किया, 17 लोग या 16 लोग वहाँ पर करेंगे जो अपनी फील्ड में जो लोग माने जाते हैं जिनको आप जिक्र है, तो वो अपने अपने एक्सपोजर आपको देंगे, वो भी देखें ना चीज़ें इनिशियली शुरू हुई आज, और ये इस तरह का लग्जरियस पूरे पाकिस्तान में कहीं मिली, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का जो मोस्ट इस्लामाबाद बार कौंसिल में है, ये नहीं कि मैं वाइस चेयरमैन हूँ या मैं मेम्बर हूँ, आप खुद कंपेयर करें जाइए वहाँ कोई क्राइटेरिया उनका अब शुरू कर रहे हैं पंजाब वाले के यार इस्लामाबाद वाले रेगुलेशन सख्त कर दिए उन्होंने इंटरव्यू सख्त कर दिया, वहाँ तो कोई भी नहीं आज कर दीजिए, एक फैसला कमेटी करती है डिसिप्लिन कमेटी, सुबह करेगी शाम को वही रिवर्स कर देगी, वही रोक कर देंगे, फोन जाएगा तो ये जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तो हम लीड कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा कैनवस छोटा है, हमारा कंट्री छोटी है, पंजाब के लिए उनको बहुत बड़ी वास्ट उनका वो है उनका, हमारे जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट बार हाईकोर्ट बार या बार नीचे आती हैं दोनों, इनके रेगुलेशन भी एज एसोसिएशन भी हम इनके रेगुलेटर हैं और एज इंडिविजुअल भी मेम्बर के अपने रेगुलेटर हैं, तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अभी अकेडमी जब प्रॉपर स्टैब्लिश हो जाएगी, ये हमारा 7वां या 8वां वाला सेशन है, तो ये इतने सेशन हो गए सब लोगों के, और वो हम हर साल दफ़ा बेहतरी करते हैं, हम जहाँ कि हमें 1-2 लोग आए जो मुझे बारह तो लगा कि वो नहीं थे प्रॉपर, तो हम उनको स्क्रीन आउट करते जाते हैं कि ये लेवल नहीं है कि लॉ ग्रेजुएट्स के बाद जो एक लॉयर्स हैं उनको हम सब स्टैंडर्ड लोग उनको वो करें, तो जो बेस्ट है वो भी करेंगे हम, वो चूँकि अकेडमी का भी चूँकि फंडिंग के लिए हमारी आ जाएगी, तो फिर हम फंडिंग की बुनियाद पर अभी हमारे मुख्तलिफ हेड में पैसा बहुत है हमारे पास करोड़ों के हिसाब से है हमारा, लेकिन डिफरेंट हेड में है, कोई किस हेड में है कोई किस हेड में है, वो फिर हम इस पर लगा नहीं सकते कि मैं ज़रा हमें चाहिए तो ये नहीं जैसे ये 17 लोग आए मैं इनको चले उनको मैं पे तो ना करूँ, लेकिन उनको ऑनरेरियम तो होना चाहिए किसी जो वो 2-2.5 घंटे डेढ़ घंटा यहाँ देगा,
तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे और उसको हम बिल्कुल करेंगे, उसको हम शेप अप करेंगे, जो हम इनको फिर थोड़ा सा जब ये और बेहतर हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी जो कंपटीशन शुरू हो गया लोगों में, कहीं हमें बुलाएं, हमें आप यहाँ पर बुला दें, तो ये एक अच्छा साइन है कि जी हमें बेस्ट लोग मिलेंगे यहाँ, और उसके ऊपर हम अपनी मर्जी से उनको करेंगे जी कि आप ये करेंगे कि ना सिर्फ आप लेक्चर देंगे, बल्कि आप लेक्चर देने के बाद उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये सारा जो कि कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है वो भी चल रहा करेंगे, तो करेंगे इंशाल्लाह जो हमारी बातें, और ये इसका बात किया था कि इंशाल्लाह ताला जो आने वाली बारह की होगी तो हम इतनी चीज़ें सेट करके चले जाएंगे कि उनको शायद आसानी से, मुश्किल है हमारे यहाँ सदर साहब गुजरे, उन्होंने 2000 में दाई मेंबरशिप की बात। मैं आपको खुश करने के लिए बहुत काम कर सकता हूँ, मैं आपको आगे चाय पिलाऊँ, बिस्किट पिलाऊँ और राशन में दे दूँ, आप कहेंगे यार बना सकते, मैं इनफैक्ट मैं आपसे ज्यादा कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं इदारे से ज्यादा कर रहा हूँ, आपको तो बुरा ही होगा मेरी, कल आप जब इलेक्शन लड़ूंगा मेरी वोटें आप देंगे, लेकिन मैं इदारे के साथ ज्यादा होगी, तो इदारे को बुनियाद बनाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल करेंगे, सख्त करेंगे, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा कि जैसे कि सिंध बार काउंसिल एक अच्छा इकदाम किए कि जो न्यू यंग लॉयर्स हैं उनके लिए उन्होंने 20,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो स्टार्टअप जो है वो अनाउंस किया था, वो एक बार तो हमारे इस्लामाबाद का जो है कैपिटल क्या है ये और तमाम, यानी कि आपकी यही है नज़रिया और हमारा भी सबसे अच्छा बार इस्लामाबाद बार काउंसिल है, तो हमारे जो यहाँ पे प्रतिका है उनके लिए भी कोई इस तरह जो है वो सजेशन है मेरी, उनके लिए भी आप सोचो। मैं पहले एक बात बता, पहली बात तो ये है कि ऐलान किया था तो अभी कर रहे थे ऐलान, मैं कहा कि आप फेसबुक पे मेरी पोस्ट लगाएंगे सब कुछ होगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो सिंध बार मौसम में पोस्ट किया था कोई होगा वो कर ही नहीं सकता, देखे ना सिंध बार मौसम में वो हमारे से बड़ी बार मौसम है, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है, और मैं तो कन्विंस भी नहीं हुई काम करने के लिए। मंजूर अभी ये जायज़ का एक्ट मंजूर करवाया हमने, करवाया मैंने, करवाया ये जो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट है में हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे वहाँ से, तो उसमें जो कुछ है सब कुछ आपको मिल जाएगा। बात ये है अभी तक ना कोई इसमें फंडिंग है, ना किसी को दे रहे हैं, ना उसको देंगे। मैं तो अर्ज करूँ ना कि मैं आपको आवाज नहीं बना, मैं तो कन्विंस नहीं हूँ, मैं ज़्यादा तौर पर कन्विंस नहीं हूँ, आई एम आस्किंग कट फॉर द बार काउंसिल, ज़्यादा तौर पर मैं कन्विंस नहीं हूँ कि जब हम आए ना तो बड़ी शदबा से लोग कहते थे हमें पोस्ट कमीशन का लाइसेंस दे दे, लेके दे या हमें नोटरी पब्लिक का लाइसेंस दे दे, उनकी दिहाड़ी तो लग जाती थी, वो आज भी उसी उन्हीं स्टेप्स की तलाश में, और कभी वकील नहीं बन सके वो। तो देखे ना ये प्रोफेशन ये कौन सा है पता है, इसको क्या कहते थे, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं इसको, इसमें जब आप हाईकोर्ट का गाउन पहनेंगे ना अभी तो आपको लाइसेंस नहीं मिला, एक वहाँ पॉकेट कॉल लेटर भी होती है, देखिए कभी आपने, ये लॉर्ड्स इस प्रोफेशन में आते थे, और वो किसी से पैसा मांगना वो तो ही समझ जाता इस प्रोफेशन के लिए, वो जितना भी था पाउंड थे पेनीज थे वो डाल देते थे वहाँ। तो ये जो प्रोफेशन है ना, अगर आप इसमें इसको कैसे आप आगे जाएंगे, जब आपको भूख लगेगी, जब आप तंग होंगे, जब आपको 20,000 रुपये अगर किसी हफ्ता के कई बात तो हम दे नहीं सकते हमारे पास वैसे फंड नहीं, हम करके दे भी दें तो आपका फिर इस प्रोफेशन से मामला, जितने भी ये याद रखिए मेजोरिटी लोग उनकी है इस प्रोफेशन में, जो जो टॉपिक है वो जो 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 भूखे थे, जो मेरी तरह के हम्बल बैकग्राउंड के लोग थे, ये मैं अच्छे भी गए, अच्छी एजुकेशन के लोग भी गए, लेकिन ज्यादा लोगों ने जो नए मेट इस्लाम पंडित इस्लामाबाद में, मैं आपको बता सकता हूँ ना कि यहाँ टॉप का वकील था क्रिमिनल साइड में सरदार इसहाक साहब थे, ऐसे नाम जानते ना आप, डेथ हो गई, सरदार साहब टॉप क्रिमिनल का आदमी था, कुमार का आदमी वकील थे, वो स्कूल टीचर थे, टाट के स्कूल से पढ़ के आए, सरदार साहब मेरा उस्ताद था, टाट के स्कूल से पढ़ के आए, जो नए मिट साहब जितने जी टॉप के वकील थे, जो जजेस रहे उस, तो जब ये जो आपको होती है ना कि आपको फियर होता है फ्यूचर का फियर, महीने में कमाने का फियर, ये आपको उधर, और ये मैं नहीं समझता कि वकील देख देखे ना 30 साल बाद का वकील और 1 साल बाद के वकील में कोई फर्क नहीं होता, आप इज्जत करेंगे, इज्जत करनी चाहिए, और ये भी देखे ना मैं भूल गया, ये भी हमारे एथिक्स में है जो कि हमारे प्रोफेशनल के जूनियर शू सर सीनियर शू पे, आप से एक दिन भी सीनियर है तो वो बैठेगा उस सीट पे, आप नहीं बैठेंगे,
दो साल सीनियर है वो बैठेगा, कि 30 साल वाला जाएगा तो उसको बाद अगर 32 साल वाला आ गया तो 30 साल वाला छोड़ेगा, 32 साल वाला जब 34 साल वाला आ जाएगा। तो ये हमारे ट्रेडिशन से बाहर की रवायत है, तो उन रवायत में ये कभी भी नहीं हुआ कि बार बारे तब बनेगी कि आप इस समंदर में खुद तैरना सीखेंगे, जब आपको हम बोट्स मुहैया करेंगे, जब आपको हम वो सेफ्टी मेजर देंगे, तो फिर भी मैं खुद कन्विंस भी नहीं हूँ। और सच्ची बात यह है कि देखे ना, यहाँ ऐलान करने में कोई आदमी मैं कर दूंगा, आप कहेंगे बड़ी बात है, तो वो ये सस्ती शर्त वाली बात है। और वो जो मामला है मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी है कि देयर इज नथिंग मच आई थिंक, आप अभी जाके तो फेसबुक पर लगा दीजिए गली में भाई साहब ने बड़ा काम किया, तो वो तो अलग बात है, वो कराची में देखेगा तो वो पोस्ट लगाएगा कि शर्म आ जाइए सिंध बाग मसल को इस्लामाबाद बाग में, तो आज 50,000 रुपये दे दिए, इस तरह की चीज़ है। सर जैसे पिछले 3 डेकेड्स में हमारा एक ओखला का कंडक्टर आया जिसको आपने अभी अपने लेक्चर में नेगेट भी किया, उसमें से बहुत सी ऐसी फ्लॉज भी थे जिनके बारे में ये कहा गया कि वो नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ सर जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, एज यू सेड इट इज अ सेक्रेट प्रोफेशन एंड इट हैज लेफ्ट बिहाइंड द इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, हम जो अभी यहाँ पे बैठे हैं और इस प्रोफेशन में एंटर होने जा रहे हैं, इट इज न्यू डे फॉर अस, तो जैसे कि आपने जितनी भी बातें की हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हम थोड़े कंफ्यूज हुए हैं और थोड़े डरे डरे से आ जाएं आपके लेक्चर के बाद, कि जो एक वक्ला के माइंड सेट के साथ यहाँ पे कुछ लोग आए थे वो शायद कुछ और सोच रहे हैं। तो आर देयर एनी बेनिफिट्स प्रिविलेजेस आर फैसिलिटीज टू मोटिवेट अस कि हम वो 40 जो हमारी जजमेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा शौक से पढ़ें, कि हम जो है जिस सेक्रेट प्रोफेशन में हम जा रहे हैं उसमें हमारे लिए हम कोई एक अपने सोशल सर्कल का या अपनी कम्युनिटी का एक वो रुकन बनने जा रहे हैं, कि जिसको ये प्रिविलेजेस हैं या उसको फैसिलिटीज हैं या उसको कोई सहूलियात है, इस पर थोड़ा सा बचा के हमें एक मोटिवेशन आ जाए कि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से। एक तो सबसे पहली तो प्रिविलेज ये है कि आप कैसे एरिना में दाखिल हो रहे हैं और जिसके लिए जो जो कमाल का प्रोफेशन थे, मैंने कहा मैं कन्विंस हूँ, मैं ये इसलिए नहीं कहता कि मैं वकील हूँ, तो मैं जो इसको सारे प्रोफेशन देखे मेरी फैमिली में बहुत सारे प्रोफेशन है। उसके बाद आपकी वेलफेयर के हवाले से देखिए, यहाँ पूरे के पूरे मुझे एक बता दें कोई बड़ा जो ग्रीन बेल्ट में जिसने मल्टी स्टोरी प्लाजा बताया हो, उन्होंने जो अफेयर में आप जाते हैं ना दफ्तर में जी, मेरे दफ्तर में भी आप बैठे हैं, ये ग्रीन बेल्ट है, ये सीडी का ग्रीन बेल्ट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोई डॉक्टर्स को कहीं कोई सरकारी गवर्नमेंट अलॉट नहीं करती वो कि मैं आपको क्लिनिक बना के दूंगी, ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, ये जो प्लॉट है ये मैं लेके आया था 2008 में जिसमें जब कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे थे, ये प्लांटेशन को अभी मैंने 2 महीने पहले मैं लेके आया, ये कंस्ट्रक्ट 3700 बन रहे हैं आपके लिए, ये मुझे बताएं ये पब्लिक एक्सचेकर के पैसे हैं, और ये इसका नाम पता है क्या, लिटिगेशन फैसिलिटेशन सेंटर, जिस हाई कोर्ट में जो बिल्डिंग बना रहा हूँ, जो लॉयर्स के अलग बिल्डिंग है और अलग प्लॉट है, वो लॉ ऑफिसर्स बिल्डिंग के नाम से हमने वो पैसे लिए होते, वो सारी ऑडिटोरियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ये जो आप लाइब्रेरी हमारी इस्तेमाल करते हैं, ये लॉ साइट्स इस्तेमाल करते हैं, बारूम इस्तेमाल करते हैं, ये बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये देते कितने आप 200 रुपया साल कितने ही देते ना, तो आपकी बेनिफिट कहाँ से देते हैं, छोड़ दें सोशल बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, आपके जो अपलिफ्ट होता है, आप टाई वाले हो गए, आप लाइसेंस वाले हो गए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन बार एसोसिएशन आज यहाँ बैठे हैं, ये मेरा पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं विदाउट, ये कभी करें ना वो डॉलर्स में पॉइंट्स में चार्ज करते हैं लॉयर वहाँ पे, तो हम आपको सारी बेनिफिट्स हैं, आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप वकील बनने जा रहे हैं, आप वकील बने ना जाए तो मैं जाके किसी रेड़े वाले को तो लेक्चर नहीं दे सकता, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमने तो देखे ना यहाँ पूरा एस्टेब्लिशमेंट है आपकी लॉयर्स के लिए, चैम्बर्स हैं 3800 चैम्बर, अभी प्रैक्टिसिंग वकील टोटल 3000 होगा 2500 होगा, वो आप ही को मिलेगा ना, मुझे तो नहीं मिलेंगे, मैं तो घर नहीं जाऊँगा, वो मिलेंगे वहाँ, जब हाई कोर्ट आप जाएंगे वहाँ आपके बार रूम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, आपके जेंट्स हैं, सारे कुछ वो फैसिलिटीज हैं, होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि हुकूमतें वकीलों के जब अपोजिशन में होती हैं तो वकीलों को अपना बाप समझती हैं, उनको इस्तेमाल करती हैं सारे के सारे, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो वो भागते हैं दूर, तो ये होना चाहिए, लेकिन उनका ख्याल ये है कि जो पब्लिक सेक्टर का पैसा है तो प्रोफेशनल्स को खुद जनरेट करना है, डॉक्टर्स को हम क्लिनिक नहीं बना लेते गवर्नमेंट देती, इसलिए वो बदमाश नहीं, हम तो बदमाशी से ले लेते हैं, इंजीनियर बदमाश नहीं है, हम तो ज़्यादा हमसे डरते हैं कि ये बदमाशी करते हैं हमसे, कि मुझे बताएं ये हमने अरबों का प्लॉट है जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू है जो खड़ा हाई कोर्ट, तो हमें क्यों दे पब्लिक एक्सचेकर में जो जो लोगों के टैक्स का पैसा है, वो एक मेन मेरा दफ्तर क्यों हो वहाँ में
पैसे चार्ज करता हूँ मैं दुकानदार को, क्यों गवर्नमेंट दुकानें में ला के दे? ऐसे ही है ना हमारा कोई कहाँ, मुझे बताएं कोई फाइनेंशियल रेगुलेशन बताएं जहाँ उन्होंने कहा कि वकीलों का, ये तो हम हमें देते इसलिए को डरते हैं वकील बालों से। और सर अभी एक जो नया एक्ट हमारा जो लॉयर्स वेलफेयर एक्ट जो एक पास हुआ 2023 का, उसमें भी कुछ ऐसी बड़ा अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छा हुआ ना वो ये हुआ कि आपको 18 ग्रेड के, वैसे तो हमने पहले करवाया हुआ था, आपको इतला मिली अर्जी है कि जो हमारा पिम्स है ना, ये जब मैं 15 में था मैंने यहाँ स्टैब्लिश की थी, जब हाईकोर्ट का प्रेजिडेंट था मैंने यहाँ स्टैब्लिश की थी डिस्पेंसरी, और एक हमने किया था कि हमारा जो उसे हुआ था लेजोन हुआ था पिम्स, पिम्स ने 18 ग्रेड के बराबर सारी फैसिलिटीज आप कर सकते हैं, आपका सारे इलाज मुफ्त है, जो इस्लामाबाद बार काउंसिल में कार्ड लेके जाएंगे वहाँ लोगों को सर्च पड़े, जो हमारे सीनियर लोग थे उनको कोई पैसा उनको नहीं लगा, और वो जितनी भी फैसिलिटी, और आप तो हर कदाव में आ गए ना, आप तो पॉलीक्लिनिक में भी होगा, जहाँ भी गवर्नमेंट के केयर या गवर्नमेंट से या पब्लिक से अफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट तो नहीं लेकिन उनसे आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वकीलों के लिए, देखें ना आप किसी बड़ी हादसा के हार्ट का पेशेंट आप हो जाएँ, आप किसी बड़ी बीमारी में चले जाएँ, वो फिर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इसमें सबसे बड़ी दूसरी दवा भी डाल दी ना कि वकील को बड़ा पर्चा करने से पहले वो तो ऐसे ही उसका वायर कर, ये जो इसमें जो वो था ये सबसे बड़ा ये है उसमें हुआ कि जी उसको वकील को इलाज मुफ्त होगा। जी मैडम वो मैं कि जो ये लर्निंग है ना, ये पढ़ने वाला लोगों को हमारे जो बच्चे ना इनको वो कहाँ पहुँच जाते हैं इसमें गैजेट में, हमारा तो बात तक रहता नहीं है लेकिन ये कंप्यूटर से कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर इसको आप इंजॉय करेंगे ना, इसको जो ये जो जो ये जो पढ़ाई वाली आदत है, और ये आप इतना इंजॉय करेंगे कि मैं बार दफ़ा रात को 4 बजे उठ जाता हूँ उनको टीवी लगाना नहीं आता, बच्चे कहते बेटा टीवी लगा के दो, सिवाय वकालत के, फिर वकालत का कोई भी उनसे पूछे जी फलां प्रपोजिशन पे क्या, तो ये जब आपको चस्का पड़ेगा ना यंग लायक उनका, आप रुक ही नहीं सकेंगे, इसको चस्का डालने के मेरा आपके कहने का मतलब है कि हम आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा अब आपको देते ना, जो चूहे को फेंकता है वो आता है खाता है, बट हम टेम्पटेशन दे देंगे जब आप इसको, जब आपको इसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी चस्का पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप काम सीखने लगते हैं ना तो फिर आप चैलेंजेस करते हैं जजेस को, फिर अब मेरे दबाव में गया चैलेंज मेरे साथ वहाँ मुझे सिखाया था मैं इसको यहाँ फंसाऊंगा, वो फिर एक और उसका वो अभी आप सोच नहीं सकते, वो आप शायद 15 साल 20 साल 25 साल बाद सोचेंगे जो कि जी आज मैं काजी फाई साहब को मैं इसका ये जवाब दूंगा, आज इसको यहाँ फंसाऊंगा, वो इसकी अलग मजा है, वो तब होगा कि जब आप आहिस्ता 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 इसको डेवलप करेंगे हैबिट। और अभी देखो ना, अभी एक और बड़ी दिलचस्प बात होगी, हमारे जमाने में तो ये जो ऑर्डर शीटर थी ना, जिस मेरे उस्ताद सरदार साहब की जय इफ्रान सिविल कोर्ट में वो फिलहाल ऑर्डर शीट थी, वो पढ़ी भी जाती थी उस वक्त शुरू में, अब तो हम पढ़ लेते हैं राइटिंग उर्दू की, 30-30 सफ़ों की लिखते थे हम वहाँ कि जी कौंसल साहिल आजाद, कौंसल मुस्लिम लाया आजाद, कौंसल मदई आजाद, कौंसल अजमी आजाद, ये सब लिखते थे, लर्न करते थे। अच्छा, लाइब्रेरी में जाना सरदार साहब ने कहा जी इस पॉइंट पर आपने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट लेनी है वहाँ से, वो हम 8-8 घंटे फजूल में अंदर से दिल से दर हम सरदार साहब को बुधवाए भी देते थे, नाराज होते थे कि यार देखो ना हम पैसे भी नहीं था और हमें देखे 10 घंटे गए, लेकिन वो हमें फायदा हुआ बाद। अब आप तो घर बैठे हुए एयर कंडीशन में बैठे हुए आपके लॉस राइट्स हैं, लॉ है, आप तो बहुत सारी चीज़ें देखें ना, कोई भी ऐसा स्टैट्यूट, कोई भी ऐसे रूल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, आपको एक क्लिक में, हम तो वहाँ जाते थे ऐसे जी कहाँ रेगुलेशन है जी, SRO नंबर 75/2022 लाइब्रेरी जाओ जी, 22 का वहाँ स्टैट्यूट निकालो, स्टैट्यूट में से वो ढूंढो, अब तो आप एक क्लिक में तो आपको आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा,
उस वक्त जो मेहनती लोग थे ना वही कम्पीट करते थे, अब जो मेहनती नहीं भी है ना, जो ये इनके स्किल्स हैं, अब ये भी आपको तंग करेंगे कि अभी जो हमारे जो लोग बच्चे आ रहे हैं जो फॉरेन क्वालिफाइड बच्चे हैं ज्यादा तंग करते हैं ना हमारे जो देशियों को, क्योंकि उनको ज्यादा इक्विप्ड होते हैं उनकी चीजों से। तो ये लेकिन जा रहा है, ये अच्छा है। और जो पता की बात है ना कि इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी वकालत है, बड़ी बड़ी इदारे सारे जगह हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के, आप जो हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं, आप जिन जिन इदारों में काम करके आए हैं वहाँ से आपको फीडबैक मिल सकती है, वहाँ की एडवाइस आपको मिल सकती है। इस्लामाबाद में देखें ना, यहाँ कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा, ये बिल्कुल रेस्ट अश्योर कि अगर आप इसको टाइम देंगे, टाइम दिन को 8 से 2-3 बजे तक, फिर शाम को अगर दें मेहरबानी करें, अगर आपका सीनियर है उसके ऑफिस है तो ये आपको कभी भी तंग नहीं करेगा प्रोफेशन। लेकिन अगर आप इसको कहीं लेंगे, आपने दुकान भी जाना है, आपने वहाँ किसी मेडिकल स्टोर पे भी बैठना है थोड़ी देर, तो ये फिर जरा इस तरह की वकालत जो नए पुराने लोगों को तो उधर है, हम उनको रोकते नहीं, हम लोग हमें पता होता है कि हम वैसे तो मिसकंडक्ट है कि आप इसके अलावा प्रोफेशन करें, लेकिन जरा रोजी रोटी का भी मामला होता है। तो जो नए लोग हैं यंगस्टर्स हैं, आपके लिए बहुत सारी यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इसको शुरू में एक रोजे रखें, 2-3 साल आपके रोजे रखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।